पगे चमका करते चाखड़ी छवि नटवर सुंदर हाथ छड़ी करे खेल अलौकिक घड़ी घड़ी वालो जर कसिया जामा पेरी हे वालो जर कसिया जामा पेरी चाले चाल चमकती गज केरी तेने मनली धूमारू हेरी ओ तेने मनली धूमारू हेरी मारा रुदिया माई मारा रुदिया माई रात दिवस एक रटना सहजानंदनी मारा रुदिया माई मारा रुदिया माई रात दिवस एक रटना सहजानंदनी ओ मारा रुदिया माई रात दिवस एक रटना सहजानंद मारा रुदिया माय मारा रुदिया माय रात दिवस एक रटना सहजानंदनी द्रग आई वसी सुंदर श्याम स्वरूप छवि जगवंदनी द्रग रात दिवस एक रटना सहजानंदनी रात दिवस एक रटना मर जादा सर्वे जगनी मेली मर जादा सर्वे जगनी हमारी लागी हमारी लागी ए साथे लगनी मारा रुदिया माय मारा रुदिया माय रात दिवस एक रटना सहजा बड़ा
होय तेने भावे मारा रुदिया माई मारा रुदिया माई रात दिवस एक रटना सहजा अविचल अविचल मैं तो ओथ ग्रही अविचल मैं तो ओथ ग्रही अविचल मुने आश नहीं बीजा के मुने आश नहीं बीजा के मुने आश नहीं मुने आश नहीं बीजा के हे बिना बीजा काय छेनी हे बिना बीजा काय छेनी हे बिना हे बिना बीजा काय छेनी मारा रात दिवस एक रटना सहजानंद हे मारा रुदिया माय मारा रुदिया माय रात दिवस एक रटना सहजानंद वस्तु बेचाए नहीं हाते हे वस्तु बेचाए नहीं कोई हाते हे वस्तु बेचाए नहीं कोई हाते मिले नहीं दिधा द्रव्य माते मिले नहीं दिधा द्रव्य माते मिले नहीं दिधा द्रव्य माते मिले नहीं द्रव्य माते ब्रह्मानंद कहे तो थे सिर साटे ब्रह्मानंद कहे तो सिर साटे ब्रह्मानंद कहे तो थे सिर साटे ब्रह्मानंद कहे तो थे सिर साटे ब्रह्मानंद कहे ब्रह्मानंद कहे ए मारे सिर साटे मारा रुदिया माय मारा रात दिवस एक रटना सहजानंद हे मारे मारा रुदिया माय मारा रुदिया माय रात दिवस एक रटना सहजानंद द्रग आयुवसी द्रग आयुवसी सुंदर श्याम स्वरूप छवि जगवंदनी द्रग आयुवसी द्रग आयुवसी सुंदर जगवंदने सुंदर श्याम स्वरूप छवि जगवंदने हा छवि जगवंदनी छवि जगवंदनी है सहजानंदनी वाला भक्तो थोड़ी बार भगवान ना स्वरूप साथे तार सांधिए पल दो पहल परमात्मा ने साथे प्यार करी लिए ભગવાનના મહામંત્રના માધ્યમે સ્વામિનારાયણ 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 સ્વામિનારાયણ
नारायण हे मारा स्वामी नारायण हे मारा स्वामी नारायण स्वामी नारायण हे मारा स्वामी नारायण हे स्वामी नारायण हे मारा स्वामी नारायण स्वामी नारायण हे वाला स्वामी नारायण हे मारा स्वामी नारायण स्वामी नारायण हे वाला स्वामी नारायण हे जय स्वामी नारायण हो वाला स्वामी नारायण हे स्वामी नारायण हो वाला स्वामी नारायण स्वामी नारायण वाला स्वामी नारायण स्वामी नारायण रे वाला स्वामी नारायण स्वामी नारायण
स्वामी नारायण वाला स्वामी नारायण स्वामी नारायण वाला स्वामी नारायण स्वामी नारायण वाला स्वामी नारायण स्वामी नारायण वाला स्वामी नारायण स्वामी नारायण वाला स्वामी नारायण स्वामी नारायण वाला स्वामी नारायण स्वामी नारायण वाला स्वामी नारायण स्वामी नारायण वाला स्वामी नारायण स्वामी नारायण वाला सहजानंद स्वामी महाराज शरणागत पाप पर्वतम गणयित्वा न तदीय सद्गुणम् अनुमाप्य तुलं हि मन्यते सहजानंद गुरुं भजे सदा सहजानंद गुरुं भजे सदा विक्रम संवत 2077 पोष सुद एकादशी रविवार तारीख 24/1/2021 सूरत मुगामे वेर रोड में मूर्ति बाग में आजनी रवि सभा में वाला वाला राजा धीराज केसरिया वाघा पहेरीने बैठेला केसरियावर आज अपना बधानी तबियतनी केर लेवा પોતે ડૉક્ટરના રૂપમાં આપણને દર્શન દઈ રહેલા બહુ સારું અનિર્દેશ હોસ્પિટલ ચલાવનારા આપણા બધાના પ્રાણ પ્યારા શ્રી હરિજી મહારાજ સર્વેવાલા ભગવાનના હૃદયમાં સંતો પાર્ષદો વગેરે સુરત નિવાસી અબાલ વૃદ્ધ ભાઈ અને જ્યાં સુધી મારો અવાજ જાય છે ત્યાં સુધી સર્વે ભક્તજનો એવમ સાકેતભાઈ મોદીજી સૌને મારા ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ વાલા ભક્તો આજની રવિ સભામાં થોડીક વાતો કરીશું થોડીક કામની બે ચાર વાતો કર્યા પછી આપણે સાયબર ક્રાઇમ વિશે સાકેતભાઈ મોદીને સાંભળવાના છે એમની પાસેથી ઘણું બધું જ્ઞાન લેવાનું છે એક વાત આપની બધાની જાણ માટે કે ભગવાન મારી અને તમારી રાત દિવસ કેર લે છે ભગવાન આપણને ક્યારેય ભૂલતા નથી બહુ સંભાળ રાખે છે જ્યારથી આપણે એના થયા એને આશ્રય ગયા એની શરણાગતિ લીધી એમને પામવા માટે આપણે હૃદયમાં કોળ ઊભા કર્યા ભયાના હેતથી હરિવરને મળવા હારું ઝઝુમી રહ્યા છે ત્યારથી આપણને ઓળખે છે આપણને ભૂલે નહીં પરમાત્મા બહુ દયાળુ છે આપણા ઉપર ભગવાન સદૈવ રાજી રહે છે ભૂલો કરીએ છીએ તોય રાજી રહે છે ગાંડા કાઢીએ છીએ તોય રાજી રહે છે કેમ જે એમને આપણી સાથે
જે સંબંધ છે એ મમત્વનો સંબંધ છે, મારા આશ્રિત, મારા ભક્તો, મારે આશ્રિત ગૃહસ્થ ભક્તો, મારે આશ્રિત ત્યાગી ભક્તો, મારે આશ્રિત સાંખ્યોગી બહેનો, મારે આશ્રિત કર્મયોગી બહેનો, મારા ભક્તો, મારાપણું જે છે એને લઈને એણે આપણામાં પ્રીતિ કરી છે, આપણને હોના ના જાણી નહીં. હવે આપણને ધીમે ધીમે આપણું અજ્ઞાન ટળાવી દિવ્ય બ્રહ્મરૂપ બનાવી એમનું અખંડ સુખ માણી શકીએ, એમને સદા આત્મામાં ધારી શકીએ એવા પાત્ર બનાવવા માટે આપણી જે તે રીતે શુદ્ધિ થાય, પ્રભુ પ્રેમની વૃદ્ધિ થાય, એ રીતે ધીમે ધીમે આપણને હેન્ડલ કરી રહ્યા છે. પણ ભગવાનના પ્રેમી ભક્તોને સદા મનમાં એવું થાય કે ભગવાન મને સંભાળતા હશે, મને યાદ કરતા હશે, મને ભૂલી તો નહીં ગયા હોય ને, ભગવાન મારા ઉપર રાજી તો હશે ને, રાજી હશે ને, મેં ફલાણું કર્યું, મેં ઓલો લોચો માર્યો, મારા માથે ભગવાન નારાજ તો નહીં થઈ ગયા હોય ને, હું ભગવાનને વાલો કે વાલી હઈશ ને. હે ભગવાન, તમારા છીએ, તમારા રાખજો, ભૂલતા નહીં અમને, અમારો હાથ પકડી રાખજો. આવું બધું પ્રેમી હૃદય હંમેશા ઝંખ્યા કરે છે. ભગવાન શ્રીહરિ એવું કહે છે કે એકવાર અમે જેનો હાથ પકડ્યો એને પછી ક્યારેય છોડતા નથી. આપણે બધા એ પુણ્યશાળી આત્માઓ છીએ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણે આપણું કાંડું ચાલ્યું છે. વાલા સંતોના રૂપમાં એણે આપણો હાથ પકડ્યો છે. વાલા સંતો રૂપે ભગવાન આપણને હંમેશા મીઠી નજરે જોવે છે, પ્રેમથી બોલાવે છે, આપણી સાર સંભાળ રાખે છે, આપણી જરૂરિયાત પ્રમાણે આપણને પ્રેમ, હૂંફ, બળ, માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. એ રીતે ભગવાન આ સત્સંગમાં સદૈવ પ્રગટ છે. મૂર્તિ રૂપે, સંત રૂપે, શાસ્ત્ર રૂપે, આચાર્ય રૂપે, બધાને ભગવાન જ્યાં જેવું ઘટે, જેને જેવી ભાવના, જ્યાં જેવી જરૂરિયાત એ પ્રમાણે હું બળ, પ્રેમ, જ્ઞાન, ભક્તિ, લીલા, ચરિત્ર, ઉપદેશ, માર્ગદર્શન પૂરું પાડે છે. એ રીતે આપણને બધાને ધીમે 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 પુરુષોત્તમ નારાયણ પોતે જ પોતાના સ્વરૂપમાં ખેંચે છે, પ્રીત કરાવે છે, જોડે છે. એમણે સંકલ્પ કર્યો છે કે મારે આ બ્રહ્માંડના બધા જીવોને મારા ધામમાં લઈ જઈને મારા દિવ્ય સુખમાં તરબોળ કરવા છે. કેડે ન રાખીએ કોઈને, સાગટમ નોતરું સૌને, આ બધા શબ્દો પુરુષોત્તમ પ્રકાશના મેન તમે સાંભળ્યા છે. જાણે આખી જગતને લઈ જાય અમારે ધામ, તો મને તમને ન લઈ જાય. આપણે તો હવે જગત નથી, આપણે તો બધા ભગત છીએ, ભગવાનને આશરે ગયા છીએ, એના થયા છીએ, એટલે એને આપણે ગમીએ છીએ. માટે વાલા ભક્તો, કોઈ દિલમાં દિલગીર ના થાવ. ક્યારેક દેશકાળ એવા હોય, આ કોરોનાના કાળમાં આપણે લગભગ 9 મહિના સુધી થોડા કામ મળી ના શક્યા, સમજાણું, ગર્ભવાસમાં જીવ હોય એ કોઈને મળી ના શકે એમ ફરીવાર આ 9 માસનો ગર્ભવાસ થઈ ગયો એવું લાગ્યું. પણ હવે તો ભગવાન શ્રીહરિ બધા ઉપર રાજી થઈને કોરોનાને ધીમે ધીમે ડાઉન કરતા જાય છે, અને ધીમે ધીમે બધાને એકબીજા સાથે મળવા, હળવા, ફરવાની છૂટી મળતી જાય છે. માટે આનંદમાં રહીને બધા પ્રભુ ભજજો, ભગવાનનો મહિમા ખૂબ વિચારજો કે આવા ભગવાન મળે જ ક્યાંથી. આવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ, સર્વોપરી, સર્વાવતારી, સર્વના કારણ ભગવાન ક્યાંથી મળે, એના દર્શન ક્યાંથી, એનો ઉપદેશ ક્યાંથી, એનું જ્ઞાન ક્યાંથી આપણા ભાગ્યમાં, એની ભક્તિ ક્યાંથી હોય,
કે મળે જ ક્યાંથી. બહુ મોટા આપણા ભાગ્ય. ખરેખર કોઈ જન્મના પુણ્ય ઉદય થયા હશે એને કારણે સર્વાવતારી શ્રીહરિને આપણે સોંપાણા છીએ, એના થયા છીએ, એને સંભાળીએ છીએ, એને મળવા તલસીએ છીએ, એના આનંદમાં પહોંચવું છે. આપણે આ દેહ દુનિયા નથી જોતા. હા તો આ આયુષ્ય છે, પ્રારબ્ધ છે, અહીંયા આવ્યા છીએ, પૂરું કરવા આવ્યા છીએ, અહીંયા આવીને કામ વધારવાનું નથી. હોંશે હોંશે આપણે બધાએ હરિના ધામમાં જવાનું છે, ત્યાં દિવ્યાનંદમાં રહેવાનું છે. ત્યાં કાળ નહીં, કર્મ નહીં, માયા નહીં, કોઈ કૂટણું નહીં, કેવળ દિવ્યાનંદ. ત્યાં આપણે બધા ભેળા રહેશું, બહુ સુખ માણીશું. પછી ક્યારેય જન્મ નહીં, મરણ નહીં, આદિ ઉપાધિ વ્યાધિ કાંઈ નહીં. મારું તારું હું તું લેતી દેતી વિકારો દુઃખ વાસનાઓ દોષો કશું જ નહીં. એકદમ નિરાવયવ સુખ અને પરમ શાંતિ, દિવ્ય રસ આવે ભગવાનના સ્વરૂપમાંથી અને મુક્ત બધા ભોગવે એવી એ જગ્યામાં આપણે બધાએ હશું, એમાં જરાય ખોટું નથી. માટે બધાએ વાલા ભક્તો આનંદમાં રહીને પરમાત્માનું સ્મરણ કરો. ચિંતા કરવા જેવું છે એને, મોજાવા જેવી કોઈ વાત નથી. આટલા બધા સંતો ભક્તોનો સથવારો છે, બધું જ ભગવાન આપે છે. ખાવાનું આપે છે, પીવાનું આપે છે, રહેવાનું આપે છે, પહેરવાનું આપે છે, ઓઢવાનું આપે છે. બે પાંચ જણા અરે હુંવાળની વાતો કરવી હોય તો એવાય બે પાંચ આપ્યા છે. મંદિરો આપ્યા છે, દેવો આપ્યા છે, સંતો આપ્યા છે, શાસ્ત્રો આપ્યા છે. આપણું પોષણ થાય એને માટે શું નથી આપ્યું, ભગવાને શું નથી કર્યું. ભલે કાંઈક કોઈ કારણે હાજા માંદા થઈ જઈએ છીએ તો ભગવાન એમાં સાથે રહીને આપણું કામ કરે છે, કરે છે કે નહીં. આપણા અહીંના બે ભાઈઓ રાકેશ ને રાહુલ અમારે ખોળે મોટા થયા કહીએ તો ચાલે. ભણીને ડોક્ટર થયા, મારી પાસે હોંશે હોંશે આવ્યા હતા. એને એમ કે ગુરુજીને પૂછીએ એટલે ગુરુજી એવું કહે છે બોટાદમાં દવાખાનું નાખો કેમ જે અમારે કુંડળવાળાને લાભ થાય. પણ અમે એમને ન્યાય ન રાખ્યા ને અહીં સુરત મોકલી દીધા. ન ગયું હું તમને ત્યારે જુઓ, અમારે તો બસ કરીને થોડુંક વધારે હાલીને બાબાને અહીં પુગાડવા પડ્યા. સુરત હતા તોય અમારા બધા કુંડળવાસી કોરોના સંક્રમિત માણસોની સેવા કરી ન કરી. પણ અમે બોટાદમાં રાખ્યા હોય તો તમારા બધાની અહીંયા આવી ઘરના ડૉક્ટર જેવી કેર કોણ રાખે? એ તો આંચકો ખાઈ ગયા હતા. મેં કીધું ને સુરતમાં તમે દવાખાનું કરો તો અલબલી ગયા. સુરતમાં કા? પણ કે અમે ત્યાં બોટાદ તમારી નજીક કુંડળ નજીક. મેં કીધું તમારે બેન સુરત જવાનું છે? એને બહુ ગમ્યું નહોતું. એ ભલે ને અત્યારે મોટી મોટી વાતો કરતા હોય, દયાળુ એને સારું નોટ લઈ ગયો. આંચકો કહી ગયો, નહોતું કરવું એવું નહીં, પણ એને જરાક એમ થઈ ગયું હતું કે પણ હવે એ મારા પર રાજી બહુ છે. કારણ કે હવે એને અનુભવ થયો, પહેલાં એને અનુભવ નહોતો. અને એમાં અનુભવ હોસ્પિટલ થઈ. આજે આપણે ત્યાં આઈસીયુ વોર્ડનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. આરોગ્ય મંત્રી કુમાર કાનાણી સાહેબ પણ પધાર્યા, બધા ડૉક્ટર મિત્રો આવ્યા, સંતો ભક્તો આવ્યા. એકાદશીનો પાવન દિવસ રવિવારનો સુયોગ સવારમાં સારે સોગડીએ ત્યાં પ્રસાદીનું પાણી છાંટ્યું, ભગવાનને આરતી કરી, ભગવાન આગળ પ્રાર્થના કરી, કાંઈ જે કોઈ આવે એનું ઝટ સારું કરી દેજો.
બધાને બહુ ખુશી થઈ. વાલા ભક્તો, સુખી થવું કે દુઃખી થવું એ મોટે ભાગે આપણા હાથની વાત છે. ભગવાન અને ભગવાનના સંત કંઈક કહેતા હોય એ થોડું આગળનું જોઈને કહેતા હોય. આપણી દૃષ્ટિ તો એટલી બધી લાંબી હોય નહીં, ખબર પડે નહીં. આપણે કંઈક વિચાર્યું હોય આપણી રીતે, પણ પરમાત્માની વાત કે જેમાં પરમાત્મા વસ્યા છે અને જે આપણા માટે બોલે છે એ કંઈક કહેતા હોય તો એમાં કંઈક વજૂદ તો હોય. ખબર પડે ન પડે પણ આપણે એમ જો જીવી નાખીએ ને તો બહુ સુખિયા થઈએ. આગળ જતાં કેટલાક દુઃખ આવે એમ હોય. ભગવાન અને ભગવાનના સંત કંઈક કહે ને એ પ્રમાણે કરીએ તો આગળ આવનારું દુઃખ 10 વર્ષ પછી, 15 વર્ષ પછી કોઈ મોટી ઉપાધિને ભયંકર દુઃખ આવવાનું હોય તો એને આપણે તરી જઈએ. આપણે કાંઈ એટલા બધા ભણેલ ગણેલ કે બહુ મોટા બુદ્ધિશાળી જ્ઞાની તત્વચિંતક તો છીએ નહીં. ભલા ભોળા કુટુંબમાં જન્મેલા સીધા સાદા વિશ્વાસી ભક્તો છીએ. વિશ્વાસ રાખીને જો ભગવાનને સેવીએ તો આપણા જેવો કોઈ સુખી નહીં. પણ વાયડાઈ કરવા જઈએ, કાંઈ બંઠાશ મારીએ તો કંઈક ભટકાઈ જઈએ ને હલવાઈ જઈએ, પછી છે ને ન કહેવાય ન સેવાય એવી દશા થાય. માટે પરમાત્મામાં વિશ્વાસ રાખી દિવ્ય સત્સંગને લૂંટો, એટલે કે એનો દિવ્ય લાભ લો. ખૂબ મજા આવે એવી વાત છે. જ્યારથી ભગવાનને સોંપાણા છીએ ત્યારથી સુખી છીએ. અને જે લોકો ભગવાન કહે અથવા જે ભગવાન ધારી રહ્યા છે, ભગવાન આકારે જેની વૃત્તિઓ છે એ ભગવતરૂપ સાધુ પુરુષ કાંઈ બોલતા હોય એમાં ભગવાન બોલતા હોય એનો દડ નીચે રાખીને એ પ્રમાણે રહીએ તો જરૂર ભગવાન રક્ષા કરે, સાથે રહે, સુખ આપે, આનંદ રહે. દેહે કરીને સુખિયા રહીએ, વ્યવહારે કરીને સુખિયા રહીએ, સામાજિક દ્રષ્ટિએ સુખિયા રહીએ, આપણી આબરૂ હચવાય, ઊંચું માથું કરીને સમાજમાં ચાલીએ ને સુખ બહુ આવે, આનંદ આનંદ થાય. આજ તો આપણા ઠાકોરજી પેલું મિથિલિન બ્લ્યુનું ઇન્જેક્શન ભરીને બેઠા છે. હા, કોરોના કાઢવા. મેં કીધું મને ન દેતા ભાઈ સાહેબ. રાકેશ, અમને તો આના બાટલા ચડાવેલા, પછી નો કહેવાય એવું, સમજ્યા? બધી મૂતણીઓ પછી હાબુન પાવડર નાખીને ધોઈ ત્યારે બ્લ્યુ રંગની મટી. એવી દશા થયેલી, સમજાણું? એમાં મારે એકવાર ભૂલ થયેલી, એટલે 12 તારીખ 12મા મહિના મારે, હું આમ કથા કર્યા પછી મિથિલિન બ્લ્યુના ટીપા નાખું. હવે કાંઈ ભૂલી ગયા પવિત્ર સ્વામી કે લ્યો તમારા ટીપા નાખવાના મોઢામાં. એ મોઢામાં ટીપા પાડી દીધા, કેટલા પાડી દીધા, આખું મોઢું ઝામુડા ખાતું એવું થઈ ગયેલું. અને હું કીર્તન ગાઉં તે મારા બધા આ કરો ને તે ફોટો પાડે ને પછી મને ને મને મોકલે, હું આ છે. એટલે ભાઈ કાંઈ નથી, આ કોરોનાની દવા લીધી હતી તે મોઢું જરા કાળું થઈ ગયું છે. આજ મને ઇન્જેક્શન ભાડ્યું ને તે બી ગયો. કારણ કે આપણે એને મોઢામાંય અનુભવ્યું છે ને નાડીમાંય અનુભવ્યું છે ને પછી સમજી જાઓ ને તમે બધા. જેને એ દવા લીધી હોય એને ખબર હોય. વાલા ભક્તો, મહારાજ તમારા બધા ઉપર બહુ રાજી છે. તમે કોઈ ચિંતા ન કરો, આનંદ મારે જ. ભાઈઓ ભાઈઓ બધા આનંદ મારે. તેમ છતાંય કાંઈ ચિંતા જેવું આવે, દુઃખ જેવું આવે તો અમે તમે નોખા ક્યાં છે? તમારે હારે છીએ. થોડીક કાન સુધી વાત પુગાડજો ને. તમારા જાણીને તમારા દિલની વાત કહેજો ને.
જે થાય તે મદદ કરશો ભગવાનને પ્રાર્થના કરશો. ભગવાન ભક્તને માટે જ છે, અભક્તને માટે તો છે નહીં. બસ આપણે ભક્ત થાવ એટલે ભગવાન આપણા. કેવડા મોટા ભગવાન આપણા થઈ જાય ખાલી પ્રેમની દોરીએ. ઓનાની હા કરે ઢહળીએ તોય ભગવાન આવે નહીં, પ્રેમના કાચા તાતણે આપણી પાછળ પાછળ ફરે એવા પ્રભુ છે. અને તમે આના સુરતવાસી ભક્તોએ અમારા બાપાઓની જે સેવા કરી છે, વાહ રે વાહ, ધન છે તમને. મારા ઉપર ફોન આવે કે બાપાને મારે મોસંબી જમાડવા છે ને, બાપાને મારે ફ્રૂટ જમાડવું છે ને, ખજૂર જમાડવી છે, મારે રસોઈના પૈસા દેવા છે ને, દૂધના પૈસા દેવા છે ને, શાકભાજીના પૈસા દેવા છે ને, બાબાની દવાના પૈસા દેવા છે. સુરતી લાલાઓને ઝાલી રાખવા પડે. હો પેલી પહેલી અમે જાહેરાત કરી કે ભાઈ બધાનો ખર્ચો ટોટલી કુંડળ મંદિર દેશે. ત્યારે બધાને ચિંતા થઈ પડી કે મંદિરમાં તો રૂપિયાના જાડવા નથી. ગુરુજી કીધું મંદિર દેશે, પણ મંદિરને કોણ દેશે? મને કહેવા દો, બહુ હરિભક્તે અમારી માંદગી માટે એની શ્રદ્ધા પ્રમાણે ફૂલને ફૂલની પાંખડી આપીને અમને ઋણી બનાવી દીધા છે. અમને ઋણી બનાવી. તમને ખબર છે અમે 200 ઉપરાંત સંક્રમિત થયા હતા અને ડૉક્ટરોને ખબર પડે કે એકને ખર્ચો કેટલો થાય. ખર્ચો એ હારી પેઠ આવ્યો છે, એમાં આપણે કોઈને કાંઈ કહેતા નથી. પણ તમે બધા જ્યારે ખભે ખભો ભટકાળીને ઊભા હો ત્યારે અમારે કાંઈ ચિંતા હોતી છે. નાના નાના બાઈઓ ભાઈઓ એ બિચારા એમ કે સંતોની દવામાં મારું આટલું લ્યો એમ, ત્યારે આંખમાં આહુડા આવી જાય. અરે રે આનો પ્રેમ તો જુઓ, આ તો હાવ અમને એના માને છે. તમે નહીં માનો હરિભગત, અમે કુંડળ હોઈએ યા ગામડે હોઈએ યા વડોદરા હોઈએ અને તમે ગમે ત્યાં હો, પણ અમને એટલી ખબર છે કે તમારો પ્રેમનો તાર ભગવાન અને સંતોને સાથે જોડાયેલો છે, એને લઈને તમે જીવો છો, એને લઈને જીવો છો. અમને ખબર છે કેટલાય ભક્તો રાત દિવસ ભગવાનને ને સાધુને સંભાળીને જીવે છે, રાજીપાને ઝંખે છે. જરાય કુરાજીપો જણાય તો એનું હૃદય થથડી જાય છે. એમને આ લોકમાં આ દેહમાં રહ્યાનું કોઈ પ્રયોજન નથી. ભગવાનને ભગવાનના સંતો ભક્તોના પ્રેમમાં જ એને ક્ષણો વીતે છે, એમાં જ રસબસ રહેવાય છે. બાકી બધું અગ્રાહ્ય છે, ત્યાજ્ય છે, કંઈ મજા જગતમાં આવતી નથી. પ્રેમાનંદ સ્વામીએ કહ્યું કે હું તો જોઈને જીવું છું, એમ ભગવાનને સાધુને જોઈને જીવે છે. અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી કહેતા કે ભગવાનને સાધુ બે જોયા જેવા છે, બાકી બધા માથે હાથ મૂકીને રોયા જેવા છે. એમ જે શાંતિ ભગવાનમાં સંતમાં છે, સુરપુર નરપુર નાગપુર ઇન તીનો મેં સુખ નાહી, કાં સુખ હરી કે ચરણ મેં, કાં સંતન કે માહી. સાચા સગા રામ કા ભગવાનના સંત, બાકી બધા સ્વાર્થના હગા છે. સમજીને જીવવું, ખોટે માર્ગે સગા સંબંધીના સ્નેહમાં મોહમાં આસક્તિમાં હરખ ફદુડા થવું નહીં. આત્માનું કલ્યાણ ભગવાન અને સંતને સાનિધ્ય છે. આલોક પલોકમાં બધી રીતે એમના દ્વારા આપણું હિત થયું છે, થાય છે અને થવાનું છે. આજ હમે સાકેતભાઈ મોદી કો સુનના હૈ સાયબર ક્રાઇમ, એટલે આ નેટના આધુનિક આ મોબાઈલ વગેરે જે કાંઈ વૈજ્ઞાનિક સાધનો છે એની બહુ ઉપાધિ વધતી જાય છે. હવે માઇકનો હવાલો દયાળુ સ્વામીને સોંપીએ, એ સાકેતભાઈને કહેશે, એ હિન્દીમાં બોલશે
આપણે બધાએ સમજી લેવું, ન સમજાય તો કોઈકને પૂછી લેવું. પણ આપણે એવા એલર્ટ થવું છે માહિતી મેળવીને કે મને એવું સાંભળવા ના મળવું જોઈએ આપણા સત્સંગીઓમાંથી કે હું છેતરાણો. બરાબર. દેશ વિદેશમાં વસનારા તમામ ભાઈઓ ભાઈઓ, સાવધાનીથી, આ એક બહુ મોટા સાયબર ક્રાઇમ વિશે જાણકાર સાકેતભાઈ મોદીને પ્રેમથી સાંભળે એવી હું બધાને અભ્યર્થના કરું છું. બધાને ભાવથી જય સ્વામિનારાયણ. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. મેં માનતા હું ઇસ દુનિયા મેં કોઈ એસે હૈ જો હમારી ઇસ ભૌતિક સૃષ્ટિ કા ઇંતજામ કરતે હૈ, કોઈ એસે હૈ જો પારલૌકિક સૃષ્ટિ કા ઇંતજામ કરતે હૈ, લેકિન કોઈ કોઈ એસે વિરલ હોતે હૈ જો ઇસલોક ઓર પરલોક દોનો લોકો કે લીએ હમારા ભલા હી હરદમ સોચતે હૈ, ઓર વો હૈ હમારે ઇષ્ટદેવ ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઓર હમારે ગુરુજી પરમ પૂજ્ય સદગુરુ શ્રી જ્ઞાનજીવનદાસ જી સ્વામી. ઇસ કોરોના કાલ મે શાયદ ઇસ 10 માસ હમ લોગોને બહુત વિકટ દેખે, શાયદ હમારે જીવન મેં એસે કભી નહીં દેખે થે, લેકિન મહારાજ પરબ્રહ્મ પરમાત્મા ભગવાન શ્રી સ્વામિનારાયણ ઓર ગુરુજી કા સાથ થા તો હમ સબ હસતે હસતે 10 માસ બીતા ચુકે, ઓર આજ અબ અંતિમ દોર પે ચલે. મેં માનતા હું આજકલ ટેકનોલોજી મેં હમ લોગો કો બહુત ફાયદા હો રહા હૈ. આજકલ નેટ કા યુગ હૈ, ઇસ યુગ સે હમ લોગ સભી તરહ કે ફાયદે લે સકતે, લેકિન કોઈ કોઈ લોગ એસે ભી હોતે હૈ જીતને ભી સરંજામ હમારે અચ્છે કે લીએ ફાયદે કે લીએ હોતા હૈ ઉસકા વે લોગ દુરુપયોગ કરતે હૈ. જબ વે લોગ દુરુપયોગ કરને લગતે હૈ તબ હમ ફસ જાતે હૈ, ક્યોંકિ હમ તો હમારે ઉપયોગી હી કેવલ જાનતે હોતે હૈ. તબ ગુરુજી ને સોચા ઇસ બારે મેં હમ સબ કિસ તરહ સે બચે, ઓર બહુત ખોજ કી તબ હમ લોગો કો એક નામ મિલા, વો નામ હૈ સાકેત મોદીજી. એક બાર ઉનકે લીએ બહુત તાલિયા હો જાય. મેં વો ભી કહુંગા કે સાકેત મોદીજી સાયબર સિક્યોરિટી કે બડે એક્સપર્ટ આદમી હૈ, ઉન્હોને દુનિયાભર મેં ઇસ ક્ષેત્ર મેં બહુત અચ્છા કામ કિયા. હમારે આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી મોદીજી સે લેકે બહુત નેતાગણ ઓર બહુત બિઝનેસમેન ઉનકે કામ સે વાકિફ ઓર પ્રસન્ન હૈ. લેકિન ઇસ બારે મેં આજ કા કાર્યક્રમ એસા હૈ, ભગવાન સ્વામિનારાયણ ઓર હમારે પ્યારે ગુરુજી પરમ પૂજ્યપાદ સદગુરુ શ્રી જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી કે આશીર્વાદ લેને કે અવસર આજ સાકેત મોદીજી એક્સપર્ટ જી કો પ્રાપ્ત હો રહા હૈ, વો ભી બડી અચ્છી ખુશી કી બાત હૈ. આજ વર્ચ્યુઅલ માધ્યમ સે શાયદ હજારો લોગ, અનગિનત લોગ ઇસ પ્રોગ્રામ કો જાનને કે લીએ અનુભવ કરને કે લીએ તલસ રહે હૈ. જબ સે યે બાત હમ લોગો ને સુની કે એસા એક કાર્યક્રમ હોને વાલા હૈ, સાકેત મોદીજી સે હમ હમારી કુછ ફાયદે વાલી બાતે સુનને વાલે હૈ, તબ સે બહુત લોગ ઇસકી ઇંતેજારી મેં હૈ. તબ મેં મોદીજી સાકેત મોદીજી કા કુછ પરિચય દે દું તો હમકો વો ભી પતા ચલે કે પ્યારે ગુરુજી ને આજ કૈસે ઇંતહામ હમારે લીએ કર દિયા હૈ. સાકેત મોદીજી સાયબર સિક્યોરિટી કી કંપની લ્યુસીડીએસ કે સંસ્થાપક એવમ CEO હૈ, જો કંપની અમેરિકા કે કેલિફોર્નિયા સ્ટેટ મેં ચલ રહી હૈ. વો કમ્પ્યુટર સાયન્સ ઇન્જિનિયર હૈ, ઉન્હોને 2012 મેં લ્યુસીડીએસ કંપની કી સ્થાપના કી થી. સિસ્કો કંપની કે ભૂતપૂર્વ ચેરમેન ઓર CEO જોન ચેમ્બર્સ ઉનકે આજકલ સહાય હૈ. લ્યુસીડીએસ કંપની આજ વિશ્વ કી 500 સે અધિક મલ્ટીપલ ફોર્ચ્યુન કંપની કી ડિજિટલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કા સંરક્ષણ કરતી હૈ. સાકેતજી ફોર્ચ્યુન મેગેજીન કે 40 અંડર 40, આંટરપ્રનર મેગેજીન કે 35 અંડર 35, એવમ ફોર્બ્સ મેગેજીન કે 30 અંડર 30 કે એક સદસ્ય રહ ચુકે હૈ. જો આદમી 40 ઉમ્ર કે ભીતર હો, 35 સે ભી ભીતર હો, 30 સે ભી ભીતર હો, ઓર અપને બિઝનેસ મેં
वो बहुत अच्छे काबिल आदमी माने जाते हो, ऐसा जब सर्वेक्षण होता है उस तीन तीन मैगजीनों के सर्वेक्षण में हमारे साकेत मोदी जी तीनों में नंबर पाए हुए एक आदमी हैं, एक ऐसे एक्सपर्ट हैं। 2017 में भारत सरकार ने साकेत जी को चैंपियन ऑफ चेंज यानी परिवर्तन के हिमायती पुरस्कार से सम्मानित किया था। भारत की जनता साइबर क्राइम के भोग न बने उस विषय में वे अत्यंत चिंतित एवं विचारशील हैं। खास करके साकेत जी शांत सरल एवं विनम्र व्यक्तित्व के धनी हैं, दूसरों की सेवा उनका निजी स्वभाव है, और सबसे बड़ी अच्छी बात हमको जो लगेगी, भगवान एवं संत के प्रति उनको बहुत आदर एवं स्नेह है। धन्यवाद है साकेत मोदी जी को, और वो आज का कार्यक्रम इसका पुरावा है। यदि ऐसा न होता तो मोदी जी आज हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से कैसे होते। जब उन्होंने सुना कि स्वामीनारायण संप्रदाय के एक महान धुरंधर संत सद्गुरु श्री ज्ञान जीवनदास जी स्वामी हमको बुला रहे हैं, वे चाहते हैं कि हमारा एक ज्ञान लोगों के हित के लिए कुछ काम में फायदेमंद हो जाए, उन्होंने तुरंत दिल से हाँ कही। हमारे अखंड वृत्तिदास जी स्वामी के माध्यम से वे गुरु जी की ओर चले, और आज वे हमारे बीच में हैं, और उनका ये एक्सपर्ट ज्ञान हम सभी को बहुत अच्छा काम में आएगा। हम सब ध्यान से सुनेंगे। मैं और आप सब जानते हैं इस नेट के ज़माने में नेट का उपयोग किए बिना किसी को भी चलने वाला नहीं है, लेकिन जो लोग शठ हैं, जो इसका मिसयूज करके हमको बड़े धोखे में डाल देते हैं, उनसे बचना भी इतना ही आवश्यक है। कैसे हम बच पावे इसके लिए साकेत मोदी जी हमारे लिए बहुत अच्छे रहेंगे। मैं मानता हूँ उनका ज्ञान, उनकी ये जो भी मास्टरी है, वो हम सभी को बचाने के लिए बहुत अच्छा काम में आएगी। तो चले साकेत मोदी जी की ओर मैं उनको विनती करता हूँ कि वे आज इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हम सभी को इस बारे में ज्ञात कराएंगे। साकेत मोदी जी। सबसे पहले भगवान श्री स्वामी नारायण परम पूज्य गुरु जी, सारे संतों को और सारे भक्तों को मेरा प्रणाम। मेरा जन्म हुआ था कैलकटा में, जिसके कारण मेरी हिंदी की स्त्रीलिंग और पुलिंग थोड़ी सी हिली हुई रहती है। इस कारण मैं पहले से ही मैं क्षमा मांगूंगा अगर मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश के बीच में आप लोगों से बात करूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपॉर्चुनिटी के लिए। बहुत कम बार ऐसा होता है कि जहाँ पे एक ऐसी गैदरिंग जहाँ पे हमारी हेरिटेज, हमारा कल्चर, हमारा रिलीजन की और इतने सारे लोग, इतने श्रद्धालु लोग एक साथ मिले, और वो लोग दुनिया की सबसे मॉडर्न चीज़ों के बारे में भी ना ही जानने के लिए आतुर हो, बट एट द सेम टाइम उसे लर्न करके अपने आप को चेंज करने के लिए बहुत ओपन हो। तो इट इज़ ट्रूली एन ऑनर आप सब लोगों के बीच में यहाँ पे रह के आप लोगों से कुछ बातें करने का। मैं पहला वर्ड आता है साइबर, और फिर आता है क्राइम या सिक्योरिटी। क्राइम और सिक्योरिटी जो होती है साइबर के दुनिया में, उस पर हम थोड़े समय बाद जाएंगे। सबसे पहले कुछ समय हम बिताते हैं साइबर पे कि आज खाली जूम ही नहीं, बट किस हिसाब से साइबर पूरी दुनिया को चेंज कर रहा है, और स्पेशली हम सब जो जो हमारे इंडियन रूट्स कल्चर से जुड़े हुए हैं, हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से हमारे भारत भूमि पे हमेशा से जिसे हम कहते थे तंत्र मंत्र यंत्र के फॉर्म्स थी टेक्नोलॉजीज की, जो अलग अलग तरीके से स्टडी की जाती थी। अगर हम थोड़े थोड़े एंशियंट टाइम में अगर जाए तो हमें ये पता चले कि काफ़ी सारी चीज़ें जो आज हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग जगह रह के एक दूसरे को देख सकें, बात कर सकें, या अलग तरीकों के यंत्र हो जिससे कि हमारी लाइफ और आसान बन सके, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो काफ़ी सारी चीज़ें हों, इनकी काफ़ी सारी रेफरेंस रही हैं हमारे हिस्टोरिकल कल्चरल स्टडीज़ में। सो सबसे पहली चीज़ ये कि आज के दिन जो मैं देखता हूँ, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग टेक्नोलॉजी को कुछ ऐसा समझते हैं जो कि एक नई चीज़ है, और एक ऐसी चीज़ है जो
हमारे को बिलोंग नहीं करती या किस चीज़ जो जो कि हमें कुछ करना नहीं चाहिए। जबकि अगर मैं हमारी हिस्ट्री को देखूं, हजारों साल पुरानी हेरिटेज और कल्चर को देखूं, हमारे हिसाब से हमेशा और मेरे हिसाब से हमेशा हम काफ़ी डीपली टेक्निकल सोसाइटी रहे हैं। फ़र्क बस इतना था कि आज के दिन जो टेक्निकल सोसाइटी या जो साइंस है वो खाली बाहर की साइंस है, हमने बाहर और अंदर की साइंस दोनों के ऊपर काफ़ी समय बिताया और उसके कारण जिस डायरेक्शन में चीज़ें हुई थी वो गई। बट कमिंग बैक टेक्नोलॉजी के बारे में अगर हम बात करते हैं आज के दिन, सबसे पहले हमें ये समझनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों के क्वेश्चन होता है कि एक जेन्युइनली रिलीजियस पर्सन अगर इंडिया में हो उनकी टेक्नोलॉजी के टूवर्ड्स क्या आउटलुक होती हैं। एंड मैं काफ़ी सरप्राइज हुआ जब मैं ऑनलाइन गया कोरा में या गूगल के कुछ याहू के कुछ फोरम्स में, जब मैंने पढ़ा मैंने एक्चुअली देखा कि काफ़ी सारे लोग ये मानते हैं कि अगर आप सुबह उठ के मोबाइल फ़ोन देखते हो तो वो बड़ा ही तामसिक चीज़ है, अगर आप टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हो वो बड़ी ही गलत चीज़ है। सबसे पहले मैं एक चीज़ जो बताना चाहूँगा टेक्नोलॉजी के बारे में, टेक्नोलॉजी को ऐसे मान के चलिए कि वो एक एक चक्कू है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं अपने खाने बनाने के लिए और उसे बहुत गलत काम करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, जब आप टेक्नोलॉजी या साइबर की बात करें, आज के दिन टेक्नोलॉजी एक एम्पलीफायर है। आज हम सब हजारों लोग इस जूम सेशन पे हैं जहाँ पे हम चाहते हैं कि हम सबका भला हो, चाहे स्पिरिचुअली गुरुदेव के वर्ड सुन के या टेक्नोलॉजिकली मेरे वर्ड सुन के, तो हम उसे एम्पलीफाई कर पा रहे हैं आज टेक्नोलॉजी के कारण और कुछ अच्छा आए उससे वो हो रहा है। ऑन द अदर साइड अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी का यूज़ आज के दिन बहुत हेट्रेड फैलाने के लिए, बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी होता है। तो अगर आप देखें टेक्नोलॉजी बाई इट्सेल्फ इज़ नाइदर पॉजिटिव नाइदर नेगेटिव, कि अगर आप टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर कंज्यूम कर लेने देते हो तो वो बैलेंस नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप टेक्नोलॉजी से दूर भाग जाते हो तो वो भी बैलेंस नहीं है। सो अगर आप देखो आप किस तरीके से उसे यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे कि आपको अपने जीवन के अंदर कंफर्ट ज़्यादा बढ़ जाए, इज द प्राइमरी यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड टेक्नोलॉजी कैन बी वर्चुअल टॉकिंग, जैसे मैं कर रहा हूँ, चाहे वो मोबाइल फ़ोन से अपने प्यारे लोगों के साथ में बात करना हो, चाहे वो एयर कंडीशनिंग हो, चाहे वो गाड़ी के साथ में या एरोप्लेन के साथ में आप कहीं पर जाते हो, ये सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी है। सो सबसे पहली चीज़ जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता था वो ये था कि टेक्नोलॉजी के बारे में ना टेक्नोलॉजी भली है ना टेक्नोलॉजी बुरी है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टेक्नोलॉजी किस हिसाब से यूज़ करना चाहते हो। इनफैक्ट टिम कुक, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल के CEO है, ये पिछले साल स्टैनफर्ड जो दुनिया की वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे एक कॉन्वोकेशन स्पीच दे रहे थे, यानी कि वो ग्रेजुएट्स कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। आप सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी का, दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी को अगर खाली 12 मिनट मिले ये बताने के लिए कि क्या एक मैसेज है जो लोगों को दिया जाए, वहां पे उन्होंने ये बताया कि मैंने दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी तो मैं चलाता हूं बट अनफॉर्चुनेटली ये टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा परफोलेट हो रही है उतने ही ज्यादा डेवलपर्स उस टेक्नोलॉजी को कंट्रोल करने वाले बढ़ते जा रहे हैं। और क्योंकि आज के दिन इररिस्पॉन्सिबली काफ़ी सारे लोग टेक्नोलॉजी यूज करना शुरू कर दिए हैं, उस कारण आज टेक्नोलॉजी का मिसयूज ज़्यादा होने लगा है रादर देन जस्ट द यूज, और ये बहुत बड़ा कंसर्न है। चाहे वो आपके मैसेजेस हो कि कोई और देख रहा हो, चाहे आपके फ़ोन कॉल्स हो जो कोई और सुन रहा हो आपके परमिशन के बिना, चाहे वो आपकी ईमेल्स हो, ये सारी चीज़ें जो होती हैं जिनको साइबर क्राइम कहते हैं हम, वो ऑन द राइज है। इनफैक्ट एक्सपोनेंशियली ऑन द राइज है, और खाली इंडिविजुअल्स ही नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां, खाली कंपनियां ही नहीं, अगर आप पिछले महीने देखेंगे US गवर्नमेंट हैक हुई थी, एक अटैक था जिसे कहते हैं सोलर विंड्स, तो रशियन गवर्नमेंट ने US गवर्नमेंट को फिजिकली अटैक नहीं किया पर साइबर पे अटैक किया और उनके सारे डॉक्यूमेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट के उन्होंने चुराए, और वो चुराने के बाद वो किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे
वो उन पर है, और ये यूएस गवर्नमेंट भी आज के दिन नहीं जानती है कि क्या एक्सटेंट था उस डैमेज का। तो अब मैं उस वहां पे आ रहा हूं जहां पे कि जब आपके हाथ में कुछ बहुत ज्यादा पावरफुल होती है, ऐसे सोचिए किसी बच्चे को ब्रह्मास्त्र दे दिया जाए, तो अगर बच्चे को ब्रह्मास्त्र दिया जाए तो उससे बहुत गलत चीजें हो सकती हैं, क्योंकि उससे समझाया नहीं गया है कि उससे क्या क्या हार्म हो सकता है। पर अगर वो बच्चा बहुत ज्ञानी हो तो वो उसका सही सदुपयोग करके खाली उसकी ही लाइफ नहीं, उसके सारे सोसाइटी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो ये एक बड़ा एग्जाम्पल है, और इसका एग्जाम्पल मैं आप सब लोगों के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए देना चाहता हूँ, ऐसे सोचिए आज शायद हजारों लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने मोबाइल फोन पे स्मार्टफोन ले रखा है, आप में से लोग जो जूम देखना जानते हैं, शायद 99-100% लोग, स्पेशली जो लोग इंटरनेट पे ये सब सुन रहे हैं। अगर मैं एक और क्वेश्चन उन सब लोगों को पूछूं जो आज मुझे इसे वर्चुअली देख रहे हैं, कि आप में से कितने लोगों को एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है 10 मिनट की ही सही, कि कैसे जूम को यूज किया जाए, कैसे लैपटॉप को यूज किया जाए, कैसे आपके स्मार्टफोन को यूज किया जाए। शायद आप में से less than 1% लोग बोलेंगे कि हाँ हमें कोई ट्रेनिंग मिली है। आप ये सोचिए कि अगर आप सब लोग एक स्पिरिचुअल जर्नी में भी है, सालों लग जाते हैं आपको ट्रेनिंग लेने में, आपको मेडिटेट करने में कोशिश रहती है कि हम वहां तक पहुंच सके, आप सोचिए सालों की मेहनत तब जाके एक बेसिक लेवल पे किसी भी क्षेत्र पे आप जा पाते हो। पर आज के दिन, और ये शायद आप लोगों को जान के हैरानी होगी, जो $50 का फोन, यानी कि 2,000-3,000 रुपए का फोन जो आज के दिन माइक्रोमैक्स इंटेक्स सैमसंग का मिलता है आपको, उसके अंदर प्रोसेसिंग स्पीड इज हायर देन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द फर्स्ट अपोलो मिशन विच वेंट टू द मून। आप सोचिए आपके हाथ में जो स्मार्टफोन है, और मैं खाली 2000 रुपए वाली स्मार्टफोन की बात कर रहा हूं, मैं हाई एंड आईफोन 12 की बात नहीं कर रहा, कि आपके हाथों में एक एक्सट्रीमली पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है जिसे सचमुच में डेमोक्रेटाइज किया गया है। इनफैक्ट हम बहुत ही लकी है, क्योंकि अगर आप ये जाने इंडिया और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी, उनका जो डिजिटल इंडिया का विजन है, उनका जो जैम योजना का विजन है, जैम जनधन योजना, आधार और मोबाइल, इंडिया में आज करीब करीब 60 करोड़ मोबाइल फोन्स है, यूएस की पूरी आबादी 30 करोड़ लोगों की है। इंडिया में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पिछले काफी सालों से डिजिटल इंडिया पे बहुत ही फोकस किया है, और खाली फोकस ही नहीं किया है, वो खुद टेक्नोलॉजी यूज करते हैं करोड़ों इंडियंस से बात करने के लिए, रीच आउट करने के लिए। आज भी मेरे बर्थडे पे मेरे पास एक ईमेल आता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से हैप्पी बर्थडे बोलते हुए। ऑफ कोर्स मैं जानता हूं कि वो पर्सनली नहीं टाइप कर रहे हैं, पर एक सिंपल सी टेक्नोलॉजी की स्क्रिप्ट लिख के जो डेटाबेस है उनके पास, जिन्होंने साइन अप किया है उनकी ऐप पे, उन्हें ईमेल भेजा जा सकता है। तो ऑल्दो वो ऑटोमेटेड है, मैं जानता हूं वो नहीं भेज रहे, बट थैंक्स टू टेक्नोलॉजी मुझे रीच आउट करके मुझे अच्छा लगता है कि एक पर्सनलाइज्ड ईमेल मेरे पास आया। स्मार्टफोन्स तो आ गया, पर ये ऐसी बात हो गई कि 60 करोड़ लोगों को उन्होंने सुपर पावर दे दिया, पर उस सुपर पावर को कंट्रोल कैसे किया जाए, ये इसकी ट्रेनिंग अभी तक फॉर्मल तरीके से नहीं दी गई है। अनफॉर्चुनेटली आज के दिन सारे स्कूल्स कॉलेजेस, आप कहीं पे भी अगर जाओगे, वहां पे आज भी ज्यादातर जगह सेलफोन बैंड होता है, लैपटॉप बैंड होता है, जिसके कारण आज भी आप फिजिकली चीजें करते हो। ऑफ कोर्स कोरोना के कारण आप अब वापस आके यू आर नाउ गोइंग अहेड एंड कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी का अच्छा उपयोग या बुरा उपयोग या तो आपके हाथ में है या कोई और आपसे कराएगा, अगर आपके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी। सो अवेयरनेस साइबर सिक्योरिटी की नींव है। अनफॉर्चुनेटली 99.9% लोग जो आज के दिन इंटरनेट स्मार्टफोन यूज करते हैं, वो ये जानते ही नहीं है कि उन्हें ट्रेनिंग की भी जरूरत है या कुछ करना चाहिए उन्हें ऑन द ट्रेनिंग साइड ऑफ थिंग्स। तो इस कारण स्टेप वन टू सिक्योर योरसेल्फ इज टू गेट द अवेयरनेस। मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं जो कहते हैं, साकेत
मेरा फोन कोई नहीं हैक कर सकता. क्यों? क्योंकि मेरे फोन में ना फिंगरप्रिंट स्कैनर है, क्योंकि मेरे फोन पे ना फेशियल रिकग्निशन है. अनफॉर्चुनेटली, और ये इनकी गलती नहीं है, बट अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि क्योंकि उनको कभी ट्रेनिंग नहीं दी गई, उस कारण ऐसी चीजें सामने आती है जो कि बहुत ही बचकानी है, और उनकी गलती नहीं है, बट वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्योंकि कभी उन्हें कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला जहां उन्हें प्रॉपर्ली समझाया जा सके. बट उनके फ़ोन में आज भीम है, उनके फ़ोन में आज शायद जूम एप्लीकेशन है, उनके फ़ोन पे व्हाट्सएप है, उनके फ़ोन पे फेसबुक है. ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते आज जो व्हाट्सएप यूज़ करते हैं. छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट व्हाट्सएप पे आपकी सारी की सारी चैट्स व्हाट्सएप के क्लाउड पे, यानी कि व्हाट्सएप के सर्वर पे स्टोर रहती हैं. और अगर कल को आप चाहे कि आपके सारी चैट्स डिलीट कर दे व्हाट्सएप, जो आपने सालों से की अपने फैमिली मेंबर से, अपने वर्क प्लेस में, एटसेट्रा एटसेट्रा, व्हाट्सएप आज के दिन कोई ऑप्शन ही नहीं देता आपको कि आपकी डेटा उनके सर्वर से आप डिलीट कर सको. ये ऑप्शन ही नहीं आज के दिन व्हाट्सएप के अंदर. तो आप सोचिए, एवरी टाइम आप एक मैसेज टाइप करते हो व्हाट्सएप पे और आप किसी को भेजते हो, खाली आपके मोबाइल और उनके मोबाइल पे नहीं जा रहा, वो व्हाट्सएप के सर्वर पे जा रहा है. उसे कहते हैं वो बैकअप, पर वो बैकअप वहां पे जा रहा है जिसके कारण आपको वो सारी चैट्स रिट्रीव की जा सकती है. और अनफॉर्चुनेटली लोग जानते ही नहीं है कि व्हाट्सएप यूज करते हुए आपकी सारी चैट्स किस तरीके से बैकअप करी जा रही है. एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जिस तरीके से आज आप वीडियो देखते हैं, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे कहते हैं डीप फेक. आप सोचिए, आपको ये कैसे पता कि मैं असली में एक इंसान हूं जो आपसे बात कर रहा है? आपको तो मैं स्क्रीन पे ही दिखाई दे रहा हूं. तो अगर आज के दिन, और मेरी बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, कोई भी उन वीडियोस को अगर ले ले, ऐसे सोचिए पिछले 20 मिनट में मैंने काफी सारे शब्दों का यूज किया है, उस वीडियो को खाली वो तोड़े, ऑडियो अलग निकाले, वीडियो अलग निकाले, और उसे लिप सिंक करके मुझे जो बुलवाना है बुलवा दे, इसे कहते हैं डीप फेक. आपको ये पता भी नहीं चलेगा कि ये साकेत नहीं कह रहे हैं, असली में किसी ने वीडियो को चेंज किया है. और आप ऐसे सोचिए, अगर, और मैं तो उतना फेमस नहीं हूं, बट अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर या कोई सेलिब्रिटी के लिए वो वीडियो बना दी जाए ये कह के कि वो कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ गलत दिखा रहे हैं, कुछ गलत कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, 10 मिनट नहीं लगते उसे वायरल हो जाने के लिए. और अनफॉर्चुनेटली व्हाट्सएप पे, इंटरनेट पे जो चीज वायरल हो जाती है उसे कंट्रोल करने का कोई तरीका ही नहीं है. तो आज के दिन, क्योंकि लोगों को ये चीज समझ ही नहीं है कि वीडियोज के साथ को उसको तोड़ के उससे कुछ भी बुलवाया जा सकता है, उस कारण द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट दे विल बिलीव इन एनीथिंग दैट कम्स टू देम. अनफॉर्चुनेटली इसे फेक न्यूज कहते हैं, इसे ही डीप फेक्स बोलते हैं. बट हाउ डू यू चेंज, एक बहुत अच्छा टेड टॉक है जो आप जरूर देखिएगा, हाउ फेसबुक चेंज द यूके इलेक्शन. उसमें एक जर्नलिस्ट एक यूनाइटेड किंगडम की सिटी में जाती हैं और वहां पे हर इंसान से पूछती है कि आपने ब्रेक्सिट पे वोट किया था या नहीं किया था. आपको पता है ना, यूके यूरोप से अलग हो चुका है, और उनकी एक वोटिंग हुई थी कि यूके वाले लोगों से कि आपके हिसाब से यूके को अलग होना चाहिए यूरोप से या नहीं. तो ये जो जर्नलिस्ट है ये गई थी और एक सिटी में जहां पे बहुत हाई वोट्स आए थे कि यूके को अलग होना चाहिए, वहां पे करीब करीब उन्होंने 100 रैंडम लोगों से बातें की कि आपके हिसाब से क्यों यूके को यूरोप से अलग हो जाना चाहिए. और वहां पे 99% लोगों का ये बोलना था कि यूरोप ने ये किया है, वो हमसे इस तरीके से पैसे लेते हैं, टर्की से सारे इमिग्रेंट्स आ जाते हैं. 99% चीजें जो उन्होंने बोली, नॉट ओनली वर दे फॉल्स, बट उनसे जब ये पूछा गया कि आपको कैसे पता ये सब सच है, अरे फेसबुक में तो सब जगह है ये, इस कारण जो भी चीजें फेसबुक में बोली जा रही है
वो सच है एंड अनफॉर्चुनेटली उस कारण खाली एक इंडिविजुअल एक कम्युनिटी नहीं एक पूरा देश का बंटवारा यूरोपियन यूनियन से हो चुका है और आज के दिन यूके इज नो लॉन्गर अ पार्ट ऑफ यूरोप एंड आई एम नॉट सेइंग इट इज ओनली बिकॉज ऑफ फेक न्यूज बट फेक न्यूज डेफिनेटली हैड अ वेरी वेरी बिग रोल टू प्ले इन व्हाट हैपेंड देयर और इस कारण अगेन रिमेंबर आई स्टार्टेड माई टॉक बाय सेइंग टेक्नोलॉजी ना बुरी है ना भली है तो ये सब मैं जब डरावनी बातें करूं उसके कारण ये सोचना कि नहीं नहीं अब तो हम टेक्नोलॉजी में कुछ करेंगे ही नहीं हम तो बस टेक्नोलॉजी से दूर ही भले ये सोचना गोइंग बैक टू स्टोन एज वाली बात हो जाती है मतलब कि एक टाइम पे व्हील इन्वेंट हुई होगी इन द कोर्स ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन एट सम टाइम व्हील इन्वेंट हुई होगी अब व्हील्स को देखते ही ये सोचना कि अरे अगर उसके ऊपर कोई बैलगाड़ी को भी लगाते हो लोग गिर जाते हैं उसके ऊपर इस कारण मैं व्हील पे नहीं मैं तो सब जगह चल के ही जाऊंगा ये एक स्मार्ट चीज नहीं है करना सो आई एम नॉट इम्प्लाइंग कि आप डर जाओ साइबर से टेक्नोलॉजी से आज पहले लोग हिमालय जाते थे लोगों को टू सर्च देयर गुरुज विच वर देयर ऑल यू नाउ हैव टू डू इज अ गूगल सर्च सो दैट्स ऑल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी सो टेक्नोलॉजी मेरे हिसाब से वो चीज है जहां पे आप बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हो इनफैक्ट आज एक यंग पर्सन लाइक मी इफ आई वॉन्ट टू रीड अबाउट यू नो अ नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स विच वर विद आर कल्चर विच आर कनेक्टेड टू यू नो आवर रूट्स इट्स सो ईजी टू डू दैट एज अ सर्च ऑन द इंटरनेट एंड देन मेक थिंग्स हैपन सो द समरी ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट टेक्नोलॉजी इज नाइदर गुड नाइदर बैड इट इज रियली चेंजिंग द वर्ल्ड अगर आप उससे दूर भागते हो तो इट इज नॉट अ वेरी स्मार्ट थिंग बट यूजिंग टेक्नोलॉजी टू योर एडवांटेज in everything and anything that you do in your life to make it more comfortable mera co-founder unka naam hai vidit bakshi jo hum saath mein hi hum dono ne ye company ko start kiya tha aaj se 8 saal pehle and vidit is from junagarh and he can speak in gujarati thank you so much saket ji to abhi pehla question saket ji ya vidit ji main aap se puchna chahunga yahan se ki जैसे साकेत जी आपने बताया 60 करोड़ से भी ज़्यादा लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो हम यहाँ मैं पूछूंगा आप देखेंगे ऑडियंस में कितने लोग स्मार्टफोन यूज़ करते हैं आप अपने हाथ ऊपर करिएगा प्लीज़ आप देख सकते हैं ऑडियंस में ऑलमोस्ट एवरीबडी सब कोई स्मार्टफोन यूज़ करते हैं आप देखेंगे यहाँ हर एज का व्यक्ति है बच्चे से लेके 70-80 साल के व्यक्ति भी यहाँ हाजिर है तो हर कोई स्मार्टफोन यूज़ करते हैं तो स्मार्टफोन को कैसे यूज़ किया जाए जिसे हम सेफ और सुरक्षित रह सके एक बेसिक क्वेश्चन है जिसका आंसर हम सब जानने के लिए व्याकुल है तो कैसे यूज कर सकते हैं स्मार्टफोन को मैं स्टार्ट करूंगा और उसके बाद विदित उसके अंदर कुछ ऐड कर लेंगे थैंक यू सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपका स्मार्टफोन सचमुच बहुत स्मार्ट है आपको अपनी स्मार्टनेस को उसको एलिवेट करना होगा जिससे कि आप उस स्मार्टफोन को टेम कर सके रादर देन वो स्मार्टफोन आपकी लाइफ में इंट्रूड कर सके और ये करने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस कि आप किस तरीके से कुछ बेसिक फंडामेंटल्स कि जब आप लॉग इन करें एक स्मार्टफोन के अंदर एक जनरल मिसकंसेप्शन जो मैं हमेशा सुनते रहता हूँ लोगों से वो ये है साकेत स्मार्टफोन बड़ा स्मार्ट है और हमको उससे दूर रहना था इस कारण हम यूज़ करते हैं नोकिया 1100 क्योंकि उसके अंदर तो कुछ फीचर ही नहीं है क्योंकि फीचर ही नहीं है इस कारण कोई हमें हैक ही नहीं कर सकता है मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि आज के दिन जब भी आप नोकिया 1100 यूज करते हैं एक 12th स्टैंडर्ड का किट भी एक छोटा सा एंटीना अपने लैपटॉप से लगा के आपकी सारी कॉन्वर्सेशन सुन सकता है और वो नोकिया आपकी प्रॉब्लम नहीं है जब आप 2G पे बात करते हैं आपको पता है ना 2G 3G 4G LTE और अब 5G आ रहा है राइट तो जब भी आप किसी फोन पे बात करते हैं जो होता है 2G क्योंकि नोकिया 1100 2G पे काम करता है एज या 2G जब भी आप 2G पे बात करते हैं उसे इंटरसेप्ट करना और उसे सुन लेना एक बच्चा भी कर सकता है जिसे थोड़ी सी बेसिक कंप्यूटर साइंस की नॉलेज है तो पहली चीज स्मार्टफोन को आपको यूज जरूर करना चाहिए और उसका मतलब ये नहीं कि आप नोकिया 1100 है ऐसे कोई फोन पे चल जाए जहां पे कि कोई स्मार्टनेस नहीं हो इस कारण कोई मुझे हैक नहीं कर सकता दूसरी चीज
इस अवेयरनेस को इनकलकेट करने के लिए आपको कुछ समय निकालना होगा। तो उसको निकालने के लिए आप या तो YouTube पे जाके ट्रेनिंग लीजिए, या आप ऐसे लोगों से बात करिए जहाँ पे, और ऐसे चैनल सब्सक्राइब करिए जिस पे आपको इसकी अवेयरनेस मिलती हो। मैं किसी भी टॉक में जाता हूँ, ये क्वेश्चन हमेशा आता है सालों से। तो इस कारण हमने क्या किया है, हमने एक बड़ा ही सिंपल फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन बनाया है। अगर आपका मन हो आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, और वो जीरो परमिशन ऐप है, यानी कि वो कोई आपका फ़ोन के अंदर कुछ देखता नहीं है। पर उसके अंदर 3 मिनट की वीडियोस, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे वो हिंदी में हो, वो दोनों हैं वहाँ पे, कि हाउ टू यूज़ माई व्हाट्सएप सिक्योरली, हाउ टू यूज़ पेटीएम सिक्योरली, हाउ टू यूज़ भीम सिक्योरली, ये सारी जानकारी 3-3 मिनट की वीडियो के हिसाब से उसके अंदर है। उसको कहते हैं सेफ मी। आप अगर उसे डाउनलोड करेंगे आप वहां पे ले सकते हैं, और इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, इवन इफ यू वांट यू कैन पे एनी मनी। और जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, और ये 3 मिनट की वीडियोस होंगी, दोनों इंग्लिश में और हिंदी में है वो। और उससे आप अपने आप को या अपनी फैमिली को वो दिखा के, उसके बाद एक क्विज आएगा उसके अंदर, वो आप ले सकते हैं, जिससे आपको ये बता देगा कि वो एक्चुअली सिक्योर्ड है या नहीं है। तो ये एक ऐप बेस्ड सोल्यूशन है। विदित, आपको अगर कुछ ऐड करना है इसके अंदर, व्हाई डोंट यू गो अहेड एंड ऐड इट in Gujarati, of course. Yes, Vidit, please, in Gujarati. If possible. Yes, thank you. Absolutely, 100% possible. સૌથી પહેલા સ્વામીજીને સૌ પ્રથમ મારા પ્રણામ, અને મારા દરેક મિત્રો જે ત્યાં ફિઝિકલી જોડાયેલા છે અને કોલ ઉપર જોડાયેલા છે, બધાને મારું અભિવાદન. સ્માર્ટફોનની સિક્યોરિટી માટે સાકેતે હમણાં જે કમ્પ્લીટ વાત કરી, રાઈટ, એક મુદ્દો છે, જ્યારે જે તમે ઓલ્ડ ટેકનોલોજી, જ્યારે આપણે એવું સમજીએ કે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી વાપરવાથી કે લેટેસ્ટ ફોન વાપરવાથી કે લેટેસ્ટ એન્ડ્રોઇડ ઓર આઈઓએસ ફોન વાપરવાથી હાકર્સને કે કોઈ તમારા ડેટાને પ્રોટેક્શન વધારે મળશે કે ઓછું મળશે, એ બંને સાઈડ ખરાબ છે, એ બંને સાઈડ ખોટી છે. આપણે એક ન્યુટ્રલ વ્યૂથી અને એક સામાન્ય રીતે કોઈ પણ ટેકનોલોજીને જોવાની છે, સમજવાની છે અને શીખવાની છે. સ્માર્ટફોનને કઈ રીતે સિક્યોર કરવો, ઓર આપણે સ્માર્ટફોન યુઝ કરતી વખતે કઈ કઈ વસ્તુનું ધ્યાન રાખવું, એનું લિસ્ટ બહુ લાંબુ હોઈ શકે, બહુ જ લાંબુ લિસ્ટ હોઈ શકે. જેમ કે આજે તમારા તમારા ફોનમાં તમારું ઈમેલ એક્ટિવ હશે, તમે તમારા મિત્રો જોડે તમારા ઓફિસના કામ માટે તમે કોલ્સનો યુઝ કરી રહ્યા છો, તમે વોટ્સઅપ ઉપર એનો અગણિત મેસેજીસ મોકલી રહ્યા છો, રાઈટ, વગેરે વગેરે, બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન કરી રહ્યા છો યુપીઆઈથી, ભીમથી, અલગ અલગ રીતે. એ બધી વસ્તુ માટે અને બધાના ટ્રેનિંગ માટે, જે રીતે સાકેતે કહ્યું કે આ અમુક સવાલો અમને લોકોને યુનો ઘણા વર્ષોથી પૂછાઈ રહ્યા છે, અને એના માટે ખાસ અમે સેફ મી નામની એક એપ્લિકેશન એન્ડ્રોઇડ અને આઈઓએસ પ્લેટફોર્મ ઉપર રાખી છે. એ એપ્લિકેશન હું રિક્વેસ્ટ કરીશ કે બધા લોકો જે અત્યારે આપણી જોડે જોડાયેલા છે, એક વખત ડાઉનલોડ કરે, એક વખત જોવે. એ ઝીરો પરમિશન એપ છે, જેમાં તમારો કોઈ પણ જાતનો ડેટા કોઈ પણ જગ્યાએ તમારા ફોનમાંથી લેવામાં નહીં આવે. ઉલટાનું, તમને એક એક સબ્જેક્ટ ઉપર, જેમ કે તમે ધારો કે તમારા ફોનમાં અત્યારે વોટ્સઅપ વાપરી રહ્યા છો, તો વોટ્સઅપ વાપરતી વખતે તમને 3 મિનિટની અંદર અંદર ક્યાં ક્યાં સિક્યોરિટી એનો ફોકસ ઓર ક્યાં ક્યાં સિક્યોરિટી પેરામીટર્સ ધ્યાનમાં રાખવા, એ તમને સમજાવી દેશે. તમે જ્યારે ફોન ઉપર વાત કરી રહ્યા છો, તમે જ્યારે કોઈ SMS ઉપર વાત કરી રહ્યા છો, એ વખતે કઈ કઈ વસ્તુ ધ્યાન રાખવી, એ વસ્તુ સમજાવવામાં આવશે. અમુક વસ્તુ ખાસ ચોક્કસ કહીશ, જેમ કે બધા જ લોકોને SMS આવે છે, જેમાં એનો લિંક્સ આવે છે કે આ લિંક ઉપર ક્લિક કરશો તો એનો વેબસાઇટ ખુલી જશે, કે એનો કોઈ સરકારી ડોક્યુમેન્ટ અથવા તો કોઈ બેંકે કોઈ ઇન્ફોર્મેશન માંગી છે તમારી પાસે. એ બધી વસ્તુ ચોક્કસથી ના કરવી. તમે વિડીયોઝ જોશો તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ વસ્તુ અમે એ એપ્લિકેશનમાં ખાસ કરી છે, સ્પેશિયલી હું મારા વડીલ અને મારા મિત્રોને સમજાવવા માગીશ, કે જ્યારે આપણે કોઈ પણ આવા વિડીયો જોઈએ છીએ, આપણને એ 10 મિનિટ એ 15 મિનિટ માટે બધું સમજાઈ જાય છે, બરાબર. અને એ પછી 2 દિવસ પછી એક રિમાઇન્ડર અને રિફ્રેશર એક જરૂરત પડે છે. એના માટે ખાસ તમારી પાસે, જ્યાં તમે વિડીયો ખતમ કરશો ત્યારે તમારી પાસે 5 પ્રશ્ન પૂછશે, 4 પ્રશ્ન પૂછશે, કે કોઈ પણ જગ્યાએ કોઈ બીજી જગ્યાએ 6 પ્રશ્ન પૂછશે એપ્લિકેશનમાં. એ તમે પ્રશ્નનો જવાબ આપશો તો તમને પોતાનું તમારું નોલેજ કેટલું વધ્યું એઝ કમ્પેર ટુ અર્લિયર, તમારું નોલેજ કેટલું વધ્યું એનો બહુ વ્યવસ્થિત રીતે ઓપ્શન મળશે.
હું ફરીથી બધાને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે વસ્તુ ખાસ જોવે. યુ નો સ્વામીજી, આઈ હોપ દેટ વોઝ આન્સરિંગ ટુ ધ ક્વેશ્ચન. થેન્ક યુ. દર્શક મિત્રો, ઉન્હોને બતાયા કે નોકિયા 1100 હો યા સ્માર્ટફોન હો, કોઈ ભી સિક્યોર નહીં હૈ, બટ ડરને કી જરૂરત નહીં હૈ. યે દોનો બડી કો ફાઉન્ડર ઓફ લ્યુસિડિયસ આપણે સાથ હૈ, કાફી ચીજ મેં હમે હેલ્પ કરેંગે. તો ઇસ રિલેટેડ વિનીત એન્ડ સાકેતજી, મુજે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન મેં પૂછુંગા. યે ક્વેશ્ચન નીલકંઠ સાવલિયા, જો અભી યુએસ શિકાગો મેં બેઠે હૈ, ઉનસે ઇસ રિલેટેડ એક ક્વેશ્ચન હૈ. ઓકે, નીલકંઠ સાવલિયા સિનિયર સ્ટ્રેટેજિક ડેટાબેઝ મેં કામ કરતા હૈ, એક્ઝેલોન કંપની યુએસ મેં કામ કરતા હૈ. નીલકંઠ, ક્યા આપ અપના ક્વેશ્ચન રજૂ કરેંગે પ્લીઝ? નમસ્કાર સાકેત જી, નમસ્કાર બક્સી જી. સો મેરા ક્વેશ્ચન યે હૈ આપસે કે આજકલ સભી ચીજે હમ એપ્લિકેશન સે યુઝ કરતે, જૈસે આપને કહા વોટ્સએપ ઓર ગૂગલ મેપ્સ ઓર કઈ સારી એપ્લિકેશન સે, ઉસકે બગર હમારા મોબાઈલ સ્માર્ટફોન સ્માર્ટ નહીં રહેગા. તો ઉસમે સબ એપ્લિકેશન સે, ઉસમે સભી પ્રકાર કે અલગ અલગ ડેટા હમ જો વો એપ્લિકેશન કલેક્ટ કરતી હૈ, કોઈ ફોન કોલ્સ કહો, હમારે કોન્ટેક્ટ લિસ્ટ હૈ, મેસેજીસ હૈ, યા ફિર કોઈ લોકેશન હૈ, વો સબ પ્રકાર કે ડેટા વો કલેક્ટ કરતી હૈ. તો હમ કેસે પ્રમાણિત કરે કે વો જો એપ્લિકેશન હમ યુઝ કર રહે હો, ઉસકા ગલત, વો જો ડેટા વો કલેક્ટ કરતી હૈ, ઉસકા ગલત ઇસ્તેમાલ નહીં હોગા, ઓર વો જો હમારા ડેટા હૈ વો સિક્યોર હૈ? નીલકંઠ જી, સબસે પહેલે બહોત બહોત ધન્યવાદ આપકે ક્વેશ્ચન કે લિયે. इसका शॉर्ट आंसर ये है कि आप ये नहीं इंश्योर कर सकते कि जब कोई आपका डेटा ले वो उसका मिसयूज़ नहीं करेगा. क्योंकि अगर आप देखें, आपके प्रश्न में ही काफ़ी सारी चैलेंजेस आ जाते हैं. सबसे पहले आपका डेटा लेना, अब ये आप सब लोगों को जानकारी देने के लिए है कि अच्छी बात ये है कि विथ इंक्रीज्ड अवेयरनेस ऑफ डेटा प्राइवेसी, आज के दिन कोई भी ऐप क्या परमिशन लेती है ये आप देख सकते हैं अपने मोबाइल पे, सेटिंग्स में जाके, प्राइवेसी में जाके, कि वो क्या डेटा का एक्सेस ले रही हैं. हाउएवर, वो कितनी बार लेती हैं, वो कब कब लेती हैं, कितने बजे लेती हैं, ये आपको जनरली ही नहीं पता चलता है, और उसके कारण वो प्रॉब्लम हो जाती. और वो जब ले लें और पीछे चल जाए, उसके बाद उसका वो क्या यूज़ करते हैं, ये अनफॉर्चुनेटली आज के दिन पूरी तरीके से डिफाइंड नहीं है. हैविंग सेड दैट, नई रेगुलेशन आ रही है GDPR और कुछ और, जिसमें ये एक्सप्लिसिटली उन्हें बताना होगा कि वो क्यों पर ये डेटा ले रहे हैं. तो दैट इज द बैकग्राउंड. विदित, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग टू इट प्लीज. जे कई एप्लीकेशंस आपने अपना मोबाइल फोन में इंस्टॉल करिए छिए, ये एप्लीकेशंस कई कई परमिशंस ले छे, क्या क्या प्रिविलेजेस ले छे, એક યુ નો 20 સેકન્ડ પરમિશન્સ અને પ્રિવિલેજીસ, જે આપણે ઘણા સમયથી આપણે વાત કરતા રહ્યા છીએ શું છે, એના ઉપર 20 સેકન્ડ વાત કરીશ. જ્યારે તમે તમારા ફોનમાં વોટ્સઅપ એપ્લિકેશન ઇન્સ્ટોલ કરો છો, એ ઇન્સ્ટોલેશન વખતે તમને પૂછે છે કે આઈ નીડ પ્રિવિલેજ ટુ રીડ ઓલ ધ કોન્ટેક્ટ ઇન યોર ફોન. તમારા ફોનમાં જેટલા કોન્ટેક્ટ સ્ટોર કરેલા છે, એને રીડ કરવાની પરમિશન જોઈએ છે. બરાબર, તમારા ફોનમાં જે કોઈ તમારા ગેલેરીમાં જેટલા ફોટોઝ છે, વિડીયોઝ છે, એને રીડ કરવાની અને એક્સેસ કરવાની એને પરમિશન જોઈએ છે. દેટ ઇઝ ધી પરમિશન એન્ડ એક્સેસ, જે આપણે ઘણા સમયથી વાત કરી રહ્યા છીએ. બરાબર, નીલકંઠભાઈનો પ્રશ્ન એમ હતો કે આપણે કઈ રીતે પ્રમાણિત કરી શકીએ કે યુ નો આ 5 એપ્લિકેશન છે જે આપણે, જે આપણો કોઈ ડેટા એક્સેસ કરે છે, એ સાચી રીતે એક્સેસ કરી રહ્યા છે, અને બાકીની જે અગણિત એપ્લિકેશન્સ મે બી હશે જેને આપણે પ્રમાણિત ના કરીએ, અને એ ડેટા કઈ રીતે એક્સેસ કરી રહ્યા છે એની કોઈ ગણતરી નથી. તો તમને જ વિદિતભાઈ ક્વેશ્ચન પૂછીશું, તમે કેવું કહેવા માગો છો? કારણ કે અહીંયા લોકો છે તે લાઈક, તમારો આન્સર એ મોર બિઝનેસમેન છે, લાઈક ફાઉન્ડર્સ છે, આઈટી કંપનીઝ છે, લાઈક યુ ગેટિંગ હું શું કહું છું, એના માટે બરાબર છે. પણ એક લેમેન, નોર્મલ લોકો છે અહીંયા બેઠા છે, રાઈટ, એમની માટે એક સ્માર્ટફોન છે. તમને બી ખબર છે, આપણા ફાધર્સ અને એ બહુ કંઈ ભણેલા ના હોય, સમજાય છે, 5 થી 10 ચોપડી ગયા હોય, અને આજે એમના હાથમાં સ્માર્ટફોન છે. એ ઓરિએન્ટેશનથી તમે વિચારો, એ પ્રોસ્પેક્ટિવથી તમે વિચારો, એમના હાથમાં સ્માર્ટફોન છે. એક સિમ્પલ જવાબ તો મને એવું લાગે છે, તમે એવું કહેવા માગો છો કે જરૂર ન હોય એટલી એપ્લિકેશન ન રાખવી, સમજાય છે? ઓકે, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ, વેરી ગુડ. હું તમારા પોઈન્ટમાં એક એક્ઝામ્પલ જોડે એક મારી વાત એડ કરીશ. મારા પપ્પાને મારી એક જ રિક્વેસ્ટ હોય
કે જરૂર ના હોય એ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ ના કરવી. યસ, જ્યારે તમે ડાઉનલોડ કરી લીધી અને કોઈ પણ ધારો કે એપ્લિકેશનનો યુઝ ખતમ થઈ ગયો એ પછી એને અનઇન્સ્ટોલ કરી દો. કરેક્ટ. તમારા ફોનમાં એન્ટી માલવેર અથવા એન્ટી વાયરસ 100% રાખો. ગૂગલ પ્લે સ્ટોર ઉપરથી દરેક એપ્લિકેશન સ્કેન કરવાનો ઓપ્શન છે એ 100% યુઝ કરો. યસ, રાઈટ. અને કોઈ પણ જગ્યાએ ક્રેડિટ કાર્ડ ઇન્ફોર્મેશન કે બેન્કિંગ ટ્રાન્ઝેક્શનની વાત આવે, યુ નો, વિધાઉટ ધી સુપરવિઝન, જે લોકો સમજાવી શકે કે હા આ ટ્રાન્ઝેક્શન વેલિડ છે કે આ ટ્રાન્ઝેક્શન વેલિડ નથી, કે આ કોઈ ઇન્ફોર્મેશન કોઈ માંગી છે ઈમેલ ઉપર કે વોટ્સએપ ઉપર, આપવી જોઈએ કે ના આપવી જોઈએ, એના વગર ના આપવી. સો તમારા પોઈન્ટ ઉપર હું બસ બે વસ્તુ જેમાં જોડીશ કે જરૂર ના પડે ત્યારે એપ્લિકેશનને કાઢી નાખવી, જરૂર પડે એટલી જ એપ્લિકેશન રાખવી અને જરૂર ના પડે એટલે પાછી કાઢી નાખવી. અને કોઈ પણ જાતનું બેન્કિંગ ઇન્ફોર્મેશન, અકાઉન્ટ ઇન્ફોર્મેશન, ઇન્ફોર્મેશનની એક્સચેન્જ, યુ નો, બને ત્યાં સુધી ના કરવી. અને કરો તો એકવાર વેરીફાઈ કરાવી લેવી કે આ સોર્સ વેલિડ છે. થેન્ક યુ દર્શક મિત્રો. તો જેટલી જરૂર નથી, આપણે આપણી એપ્લિકેશનમાં ઘણા ઘણા ફોનમાં 50-100 વધારે એપ્લિકેશન આપણે યુઝ કરતા હોઈએ છીએ, જેટલી જરૂર નથી એ એપ્લિકેશનનો યુઝ ના કરો, અનઇન્સ્ટોલ કરી દો. તે જે આપણા બંને મિત્રો આપણને કહેવા માગે છે. હવે વિનીતજી, આપને જો બતાયા અભી ક્રેડિટ કાર્ડ એન્ડ ડેબિટ કાર્ડ, કલ ઓર ઇન દો દિનોમાં સબસે જ્યાદા ક્વેશ્ચન ઇસી પે આયે હમ પે, ક્રેડિટ કાર્ડ એન્ડ ડેબિટ કાર્ડ કા ફ્રોડ જો હોતા હૈ, ઓર કાફી સારે લોગ ઇસમેં ફ્રોડ કે શિકાર હુએ. તો મેરા નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ નીતિન વેકરિયા સે, જો કેનેડા સે, હી ઇઝ ફ્રોમ કેનેડા. તો નીતિન જી, કેન યુ પ્લીઝ આસ્ક યોર ક્વેશ્ચન. નમસ્તે સાગર જી. મેને ન્યૂઝ મે પડા થા કે કોવિડ-19 મહામારી આને કે બાદ ઇન્ટરનેટ ફ્રોડ 300% બઢ ગયે હૈ, ઓર આજકલ બેંક કે નામ સે ઇતને સારે ફોન કોલ્સ, ઇતને સારે SMS ઓર ઈમેલ આતે હૈ કે કભી કભી તો SMS કા જો સેન્ડર ID હૈ વો ભી બેંક યા કોઈ ગવર્નમેન્ટ એજન્સી કે નામ સે હોતા હૈ. ઇસ તરહ કે SMS બેંક સે આયે હૈ યા ફ્રોડ હૈ વો પ્રમાણિત કરના બહોત મુશ્કિલ હો રહા હૈ. એસી સિચ્યુએશન મે ટેકનોલોજી કા જ્ઞાન કમ હો, એસે ઇન્સાન કો ઇન્ટરનેટ બેંકિંગ યા ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરને સે પહેલે ક્યા ક્યા સાવધાની રખની ચાહીએ, ઓર અગર દુર્ભાગ્યવશ હમ ફ્રોડ કા શિકાર હો ભી ગયે તો ક્યા કરના ચાહીએ. નીતિન જી, સબસે પહેલે બહોત બહોત ધન્યવાદ આપકે ક્વેશ્ચન કે લિયે. દો તીન બાતે મે કહેના ચાહુંગા યહાં પે. સબસે પહેલે આપને એક ચીજ નોટિસ કી, આપને કહા કી કોવિડ કે બાદ ઇન્ટરનેટ ફ્રોડ 300% બઢ ગયા હૈ, ઓર યે જરૂર રિપોર્ટ કહીં આઈ હોગી, બટ ઇસ રિપોર્ટ મે ગલત ક્યા હૈ મેં વો બતાતા હું. યે બડી ઇન્ટરેસ્ટિંગ બાત હૈ. ફ્રોડ કિતના બડા સાઇબર વર્લ્ડ મેં યે કેલ્ક્યુલેટ કરના કિસી કે લિયે ભી પોસિબલ નહીં હૈ. ફ્રોડ કિતને રિપોર્ટ હુએ વો કિતના બડા વો આપ જરૂર કેલ્ક્યુલેટ કર સકતે હો. જો ફ્રોડ્સ હોતે હૈ અનફોર્ચ્યુનેટલી વો કહીં ગુના જ્યાદા બડે હૈ, યે મેં બતા સકતા હું આપકો, ખાલી 300 ગુના જ્યાદા નહીં, બટ ઉનમે સે પકડે જાન, પકડે તો બહોત દૂર કી બાત હૈ, બટ એટલીસ્ટ રિપોર્ટ કરે જાના, વો 300% ઉપર જા સકતે હૈ જરૂર. તો વો યે ઇટસેલ્ફ એક બડા ઇન્ટરેસ્ટિંગ હૈ, અગર આપ ઉસ પોઈન્ટ પે ડબલ ક્લિક કરો કે 300% ક્યા ઓર ચીઝે કેસે બઢ સકતી હૈ. દૂસરી બાત આપને જો બતાઈ કે અગર આપ ફ્રોડ અનફોર્ચ્યુનેટલી ઉસકે કોઈ યુ નો યુ ફોલન ઇન ટુ સમ ફ્રોડ વિચ ઇઝ આઉટ દેર, એટલીસ્ટ ઇન્ડિયા મેં નીતિનજી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા યે મેન્ડેટ કરતા હૈ કે જૈસે હી આપકો કોઈ લગે કે આપકે બેંક અકાઉન્ટ સે કુછ પૈસે ડિડક્ટ હુએ હૈ જો આપને નહીં વિડ્રો કિયે યા આપને કોઈ ટ્રાન્ઝેક્શન નહીં કિયા. અચ્છી ઓર બુરી બાત ઉસ બાત કી યે હૈ કે ઉન્હોને લો બના રખા હૈ, જબ તક આપ 48 hours મેં અગર વો રિપોર્ટ નહીં કરતે હો આપ, ઉસકે બાદ મેં ઉસકી સુનવાઈ નેક્સ્ટ ટુ નલ હો જાતી હૈ. તો જો સબસે ઇમ્પોર્ટન્ટ ચીજ હોતી હૈ બિફોર યુ ડુ એનીથિંગ એલ્સ વિદિન 48 hours, કે જબ ભી હોતા હૈ હર બેંક કી એક હેલ્પલાઇન હોતી હૈ, રિપોર્ટિંગ દેટ ટુ ધ બેંક એન્ડ ટુ ધ લોકલ સાઇબર સેલ, કે પોલીસ સ્ટેશન પે જાકે આજ કે ઇન્ડિયા મેં ઓલમોસ્ટ ज्यादातर डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक साइबर सेल भी है, वहां जाके ये खाली रिपोर्ट लिखवा देनी कि देखो ये हो गया है, और फिर अगले कुछ हफ्तों के लिए द इन्वेस्टिगेशंस विल गो ऑन. दैट इज ऑफ द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस व्हिच इज आउट देयर. एंड देन यू नो व्हेन यू ड्रिल डाउन इनटू हाउ डू यू डू नेट बैंकिंग, इनफैक्ट इंडिया में एज इंडियंस
आई थिंक दिस इज अ मैटर ऑफ प्राइड. अगर आपको UPI और भीम के बारे में पता है, विच इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, एंड वी आर वन ऑफ दोज कंपनीज वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू डू सिक्योरिटी फॉर पेमेंट कंपनीज इन द US, इन यूरोप एंड इन एशिया एंड इंडिया. दुनिया में UPI जितना एडवांस्ड पेमेंट फ्रेमवर्क, जहाँ 200 से ज़्यादा बैंक के बीच में आप रियल टाइम में पैसे भेज सकते हो, ये दुनिया का कोई भी पेमेंट सोल्यूशन आज के दिन एनेबल नहीं करता. एंड द रीज़न आई एम सेइंग दैट टू यू इज, मोस्ट पीपल डोंट रियलाइज दिस, बट UPI नॉर्मल ट्रांजैक्शंस, चाहे आप वो डेबिट कार्ड से करो, क्रेडिट कार्ड से करो या नेट बैंकिंग से करो, ज़्यादातर ऑल गो थ्रू अ टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, और उसके बाद आप कुछ पेमेंट कर सकते हो. यस, करेक्ट. एंड इट इज़ वेरी कम्बर्सम ऑल्सो, जहाँ पे आपको लंबी अल्फा न्यूमेरिक पासवर्ड्स याद रखनी पड़ती हैं, आपको चेंज करना पड़ता है हर 90 दिन में, और बैंक अकाउंट नंबर, बहुत सारी चीज़ें. इट्स मोर कम्बर्सम एंड इट हैज़ टू फैक्टर, सो फेयरली हाई ऑन सिक्योरिटी. बट वेन यू लुक एट भीम एंड UPI, द प्लेटफॉर्म UPI, जिसके ऊपर भीम, गूगल पे, पेटीएम, ये सारी पेमेंट जिसके एप्स जिसपे काम करती हैं, अगर आप उसे देखते हो तो नेट बैंकिंग टू फैक्टर है, UPI इज थ्री फैक्टर्स. तो उन्होंने सिक्योरिटी भी बढ़ा दी, क्योंकि उसमें आपका डिवाइस लॉक होता है, उसके आपके मोबाइल नंबर भी लॉक होता है, और उसके बाद आप UPI पिन डालते हो, जो KYC भी बीच में होता है, दैट्स अ वन टाइम थिंग. At the same time, it is more convenient. So you can actually, in two clicks, make payments from UPI app. I'm pretty sure aap mein se kaafi log, saare log, Bheem, Google Pay ya WhatsApp Pay ka istamal karte honge. So I would highly recommend that you do that. But if there is a fraud which happens on those lines also, within 48 hours, you definitely want to go. Unhone bataya, waise 48 hours mein, agar humare saath koi fraud hota hai, toh 48 hours mein hume bank ko turant bata dena chahiye. Thank you so much, Saket. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर दैट वी हैव गॉट. आपने अभी जो पासवर्ड के बारे में जो बताया साकेत जी, उसी रिलेटेड हमारे जो नेक्स्ट कंटेंडर है उसके पास क्वेश्चन है. पार्थ है, वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर है मुंबई से. उनका क्वेश्चन है, क्योंकि उन्होंने ऐसा ही कुछ फ्रॉड का सामना किया था, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रिलेटेड. और ये आपको पता ही, आजकल फ़ोन आते हैं कि आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर दे दीजिए, ये दे दीजिए, और काफ़ी सारे लोगों के पैसे उसमें डूबे हैं. मेरी रिक्वेस्ट है, अगर इसमें आप कुछ हेल्प कर पाए कि किस तरीके से बचा जाए, तो मैं पाँच से विनती करूँगा, आप प्लीज़ अपना क्वेश्चन दोहराइए. या साकेत जी, 2 साल पहले एक दिन सुबह अचानक से मेरे को हर 1-2 मिनट में SMS आने लगे, और हर SMS में 2 से 5 हज़ार रुपये का ट्रांजेक्शन हो रहे थे, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन. और जब तक मैं वो ट्रांजेक्शन को समझ करके बैंक को रिपोर्ट करता, तब तक मेरे अकाउंट से, क्रेडिट कार्ड अकाउंट से 35,000 रुपीज़ कट गए थे. तो आगे बाद में उसका कंप्लेन हुआ, और पैसे इन्वेस्टिगेशन करके रिटर्न भी आए, क्योंकि मैंने टाइमली एक्शन लिया था. एक और चीज़, यहाँ पे मैंने क्रेडिट कार्ड का इन्फॉर्मेशन कभी भी किसी को भी शेयर नहीं किया है. मैं सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करने के लिए जहाँ पे वेबसाइट में डालता हूँ, उसके अलावा मैंने किसी को भी फिजिकल इन्फॉर्मेशन फ़ोन से गलती से दे दिया, ऐसा कुछ भी नहीं किया था. तो ऐसा क्या मिस्टेक होगा कि जिसका वजह से ये इन्फॉर्मेशन लीक हुआ और मेरे साथ ये चीटिंग हुआ? और इस तरह का चीटिंग, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के लिए ना तो कोई OTP है, ना तो कोई और पासवर्ड प्रोटेक्शन भी है, तो इस तरह का फ्रॉड से बचने के लिए हमको क्या स्टेप लेना चाहिए कि जिसका वजह से ऐसा और भी लोगों के साथ ना हो कभी? मैं आपको सिंपल 2 शब्दों में ये कहूँगा कि द आंसर हैज़ टू बी द बैंक. आपको बैंक जाना ही होगा, उसे बताना ही होगा. पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जेन्युइनली आपने कोई OTP शेयर नहीं किया, द की इज़ OTP शेयर कभी नहीं करना, चाहे कोई भी कॉल करे, चाहे कुछ भी कोई भी पूछे. अगर आपने OTP शेयर नहीं किया है और ट्रांजेक्शन अपने आप हो रहे हैं, तो बैंक इज़ लाइबल, और वो आपको आपके पैसे वापस दे देगा. एट द सेम टाइम आपके सबसे करीबी साइबर क्राइम सेल है, वहाँ पे जाकर आपको रिपोर्ट दिखाना चाहिए. एंड बाय डिफ़ॉल्ट आपकी क्रेडिट कार्ड में या डेबिट कार्ड में, इट इज़ ऑलवेज बेटर, रुपए में ये होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वीज़ा और मास्टर कार्ड में नहीं होता, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल करके रखें, और अगर आप बाहर जा रहे हो तभी उसे एनेबल करें. ये सारी ट्रेनिंग जो है, अगेन, हाउ टू सिक्योर माई क्रेडिट कार्ड, एक मॉड्यूल है मेरे ऐप में, अगर आप वो डाउनलोड करेंगे तो आप आराम से उसे देख पाएंगे, जिसके अंदर करीब करीब 15 से 20 चीज़ें जो आपको करनी चाहिए
टू मेक थिंग्स मोर सिक्योर आपको वहाँ पे मिल जाएगा. थैंक्स अ लॉट. बहुत अच्छा. सो इसमें से दो चीज़ हमें लेने की ज़रूरत है कि इमीडिएटली आप बैंक के पास जाए, नंबर टू कि आप अपनी OTP को किसी को भी शेयर मत करें. कभी भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी बंदा फ़ोन करता है, आपका कार्ड एक्सपायर हो गया, मैं आपको एक्सपायर को फिर से रिन्यू कर देता हूँ, आपके पास OTP आएगा, प्लीज़ शेयर कर दो. कभी मत शेयर कीजिए. यही साकेत सर हमें बता रहे हैं, कभी भी अपना OTP शेयर ना करें. नंबर टू, कभी भी अपना क्रेडिट कार्ड नंबर शेयर ना करें, जो उन्होंने बताया. अगर आपने एक बार ये गलती कर दी तो प्रॉब्लम हो जाएगा. और नंबर थ्री, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आप बंद कर दीजिए. जब तक आपको यूज़ करना ही नहीं है तो पहले से ही बैंक में बता के इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को आप डिसेबल कर दीजिए. डिसेबल करना मतलब बंद कर दीजिए कि मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन की. तो इससे क्या होगा, आपको ये कठिनाई नहीं होगी. इसी रिलेटेड क्वेश्चन सर, ये हमारे सुरेश भाई कड़थिया है, ही इज़ CEO ऑफ वन इन्फोटेक कंपनी, EBS इन्फोटेक. सो इट इज़ रिलेटेड टू पासवर्ड. पासवर्ड भी सब चीज़ की जड़ है, मैं बोलूँगा. तो पासवर्ड क्या करना चाहिए, उस रिलेटेड उनका क्वेश्चन है. सुरेश भाई. हाय साकेत जी. सो आजकल जो हम अकाउंट यूज़ करते हैं तो पासवर्ड किस तरह का रखना चाहिए, और मोर ओवर मोस्ट ऑफ अकाउंट्स को साइनअप और लॉग इन करने के लिए जो ऑटो साइनअप और ऑटो लॉग इन का ऑप्शंस दिया जाता है, और दूसरा जो है वो मैनुअल ऑप्शंस भी दिया जाता है, तो इन दोनों में से कौन सा रिस्क लेस है और सही है, मतलब क्या करना चाहिए? सुरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके क्वेश्चन के लिए. क्विक आंसर मेरा उसमें ये है कि आप डेफिनेटली, आपको एक कॉम्प्लेक्स पासवर्ड चाहिए, बट अगर आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड सारी वेबसाइट्स में डालेंगे तो आपको वो याद रखने में मुश्किल होगा. इस कारण आइडियल ये है कि आप एक पासवर्ड मैनेजर यूज़ करिए. एक फ्री ऑफ कॉस्ट पासवर्ड मैनेजर है जिसे कहते हैं लास्ट पास. मैं खुद भी वो यूज़ करता हूँ, मैं जानता हूँ विदित भी वो यूज़ करते हैं, तो हमारी कंपनी में बहुत सारे लोग वो यूज़ करते हैं. तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि एक पासवर्ड मैनेजर. तो उससे क्या होगा, आप एक पासवर्ड एकदम ध्यान रखेंगे और उसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए, और वो पासवर्ड मैनेजर आपकी सारी वेबसाइट्स के अंदर वो पासवर्ड्स डालेगा. बेटर सिक्योरिटी प्रैक्टिस हमेशा ये होती है कि अगर हर अकाउंट, हर वेबसाइट के अंदर आप मैनुअल, और जब मैं मैनुअल कह रहा हूँ, आप इंडिविजुअल नई ईमेल आईडी और पासवर्ड के साथ में लॉगिन करें. अगर ईमेल सेम भी हो, पासवर्ड अलग हो, क्योंकि होता क्या है कि अगर आप सेम सिंगल साइन ऑन फेसबुक, जीमेल या किसी से भी सबसे साइन इन करेंगे, तो जैसे ही आपका जीमेल हैक होगा, आपको सारी के सारी वेबसाइट्स में जिससे वो कनेक्टेड है उन्हें वहाँ पर भी हैक किया जा सकता है. इस कारण इट इज़ बेटर एंड रेकमेंडेड कि आप इंडिविजुअल वेबसाइट्स में कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखें. एंड यू कैन ऐड दैट. ओके, सो लास्ट पास जो आपने बताया वो मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, बट लास्ट पास में हम जो पासवर्ड डालते हैं और मैनेजमेंट करते हैं, वो सॉल्यूशंस कितना सही है या सेफ है? क्योंकि जो सिक्योरिटी के लिए हम खुद हमारी सभी चीज़ें उनको शेयर कर देते हैं, उसके बाद वो लोग ऑटो साइन इन भी यूज़ करते हैं, तो वो कितना सही है, क्योंकि उनके सर्वर पे पूरा डेटा सेव होता है. तो सुरेश जी, ऐसे सोचिए कि वो सेफ है नहीं है इज नॉट द क्वेश्चन, वो सेफर है इज द राइट आंसर देयर. यानी कि एक ऐसे समय में जहाँ पे हिलरी क्लिंटन के US गवर्नमेंट के ईमेल्स हैक हो रहे हैं, ऐसे समय में कुछ भी हैक हो सकता है, ये फैक्ट है. बट आपको खाली इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत है. ऐसे सोच के देखिए कि प्राइम मिनिस्टर है Z4 सिक्योरिटी, क्या उसका मतलब ये है कि वो कभी इन्फिल्ट्रेट नहीं हो सकती? अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे देश से हैं जहाँ हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर्स को शूट किया गया है. एग्जैक्टली उसी तरीके से आप एज ए नॉर्मल पर्सन चाहते हैं कि आपके घर के सामने एक सिक्योरिटी गार्ड हो. दैट इज इनफ सिक्योरिटी टू मेक श्योर कि आप डे टू डे लाइफ में सिक्योर्ड फील कर सके. एग्जैक्टली उसी तरीके से आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर लास्ट पास के सर्वर पे आपका पासवर्ड पड़ा है और अगर वो सर्वर हैक हो जाए तो उसका क्या? आंसर बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन है, बट दिस इज बेटर देन यूजिंग द सेम पासवर्ड एट मल्टीपल वेबसाइट्स, और 10 जगह वेबसाइट में सेम पासवर्ड यूज करना या भूल जाना जब वो आप दो वहाँ पे. तो वो है. एंड लास्ट पास अभी तक हिस्टोरिकली हैक नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं, वो हैक नहीं हो सकता.
But that is my answer, Suresh. Thank you, Saket sir. So, thing is, अपना पासवर्ड हर जगह अलग अलग रखिए. थोड़ा सिंपल मत रखो, कॉम्प्लिकेटेड रखो. नंबर रखो, स्पेशल कैरेक्टर रखो और ABCD रखो. इससे क्या होता है, पासवर्ड की जो स्ट्रेंथ है, मजबूताई, वो बढ़ जाती है, तो प्रॉब्लम कम आ सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन साकेत सर इज़ फ्रॉम पार्थिव गडिया. ही इज़ इन द UK. ही इज़ अ क्लिनिकल ट्रायल असिस्टेंट. इट इज़ रिलेटेड टू हिज पर्सनल केस. उसका खुद के साथ एक केस हुआ था रिलेटेड टू पब्लिक वाईफाई. सो पार्थिव, आप अपना प्रश्न रजू करेंगे प्लीज. प्रणाम साकेत जी. आपने अभी जैसे बताया ईमेल हैक की बात कर रहे थे, वैसे ही मैं पब्लिक एरिया में था, वहाँ पे फ्री वाईफाई अवेलेबल होते हैं. तो मैंने अपने फ़ोन पे मेरा पर्सनल जीमेल अकाउंट लॉगिन किया, वहाँ पे सब ठीक चल रहा था. फिर घर आके फिर से मैंने अपना जीमेल लैपटॉप पे लॉगिन किया तो पासवर्ड नहीं चल रहा था, इनवैलिड पासवर्ड आ गया. फिर मैंने फ़ोन पे ट्राई किया तो वहाँ पे भी ईमेल ओपन नहीं हो रहे थे. और उन लोग ने बैकएंड में क्या किया था, मेरे जितने कॉन्टैक्ट्स थे उनको एक स्मार्ट मैसेज लिख के भेज दिया, जिससे मैं रेगुलर कॉन्टैक्ट में था कि मैं ऐसी मुसीबत में हूँ, ना मैं किसी से फ़ोन पे बात कर सकता हूँ और ना किसी का फ़ोन रिसीव कर सकता हूँ, और मुझे पैसों की ज़रूरत है. आप मुझे ईमेल से बात रिप्लाई करके बात कर सकते, और मेरा ईमेल वो लोग हैंडल कर रहे थे. फिर मैंने फॉरगॉट पासवर्ड पे जाके ट्राई किया कि पासवर्ड चेंज करूँ, तो वहाँ पे एक रिकवरी ईमेल मेरा जो था वो भी चेंज कर दिया था, और मेरे नेम और सरनेम पे ही बना के रख दिया था. फिर वो लोग ऐसे ही सबको कॉन्टेक्ट कर करके पैसों के लिए मांग कर रहे थे. तो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि हम हमारे डेटा से बच सके. और बाद में उन लोगों ने तो सब मेरा ईमेल्स और कॉन्टेक्ट सब डिलीट कर दिए थे. पार्थिव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन के लिए. इसकी एक सिल्वर लाइनिंग ऐसे केस की ये होती है कि आपको ये पता चल जाता है कि आप जब सच में ट्रबल में होंगे कितने लोग एक्चुअल में पैसे देंगे. तो एटलीस्ट वो डेटा तो आपको मिल जाता है कि कल को अगर आपको कभी ज़रूरत हो एंड आप देख के वो पता कर सकते हैं. पब्लिक वाईफाई की बात करते हैं, ये बोलना कि उसे ना यूज़ करो सही नहीं है, क्योंकि हमें आज के दिन सब जगह एयरपोर्ट्स पे, ट्रेन्स में, कहीं पे भी हम जाते हैं पब्लिक वाईफाई मिलता है. आई डोंट सी अ प्रॉब्लम जहाँ पे आप पब्लिक वाईफाई यूज़ करो, बट जब आप वो यूज़ करो आप उसे यूज़ करते टाइम लॉगिन ना करो अपने लैपटॉप को किसी अकाउंट के अंदर, स्पेशली नेट बैंकिंग के अंदर तो कभी नहीं, अपना खुद का प्राइमरी ईमेल के अंदर तो कभी नहीं. और अगर आपका टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल्ड नहीं है तब तो बहुत ही आसान है, जहाँ पे आपका पासवर्ड लेते ही कोई लॉगिन करे, पासवर्ड चेंज करे, बैकअप ईमेल, बैकअप नंबर चेंज करे और एक ईमेल भेज दे सबको सेइंग कि प्लीज़ इतने पैसे इस अकाउंट में भेजो क्योंकि मेरे को उसकी ज़रूरत है. तो वो है. और दूसरी चीज़, आप क्या कर सकते हैं जब ईमेल जा चुका है, वो तो वही बात है कि चिड़िया चुग गई खेत, तो आप अनफॉर्चुनेटली कुछ कर नहीं सकते हैं. द ओनली थिंग यू कैन डू इज सेंड एन ईमेल टू ऑल योर कॉन्टैक्ट्स अगेन सेइंग कि ये मैं नहीं हूँ, और अगर कोई और बोल रहा है तो आप प्लीज़ उसे हटा दो और मेरी ये नई ईमेल है, अब मेरा वापस एक्सेस आ गया. बट हैकर्स आजकल वो भी स्मार्ट होते हैं, वो पहले ईमेल भेजते हैं ये बोल के कि कैन यू प्लीज़ ट्रांसफ़र दिस अमाउंट, फिर वो ईमेल 10 मिनट बाद के भेजते हैं कि ये कहते हुए कि कोई हैकर ने भेजा था उसे, प्लीज़ इस अकाउंट में ट्रांसफ़र मत करना. और फिर जिनका रिप्लाई आता है थैंक गॉड वी वर कंसर्न फॉर यू, उनसे वो बातचीत शुरू कर देते हैं, जिससे कि इवेंचुअली वो ये बोल सके कि अच्छा मैं कुछ, आपने अगर भेज दिया तो मैं वापस भेज देता हूँ. उसे सोशल इंजीनियर करके उनसे और कुछ पैसे निकलवा लेते हैं, इन्फॉर्मेशन निकलवा लेते हैं, जिससे वो कल को आपको ब्लैकमेल कर सके. तो अनफॉर्चुनेटली अगेन इट ऑल बॉयल्स डाउन टू अवेयरनेस एंड हाउ डू यू स्टे अवेयर. फॉर एग्जाम्पल, आपकी अवेयरनेस नहीं थी, आपने अगर पासवर्ड डाला एक पब्लिक वाईफाई में, इज द रीजन व्हाई यू गॉट हैक्ड. And next time you'll be aware for that. Thank you. So that is the answer which is there. Thank you, Saket. Thank you, Saket. So आपने अभी जो word बताया social engineering, कि कोई व्यक्ति वो किसी और व्यक्ति के नाम से ये जो चीज़ कर रहा है, उस related एक question है from Mr. Chintan. He is from US again. Chintan, can you please ask your question? Saket जी, हम जब Google search करके कोई link पे जाते हैं या कोई हमें link directly भेजते हैं, तो हम ये कैसे तय करें कि वो वेबसाइट ओरिजिनल है या किसी ने डुप्लीकेट बना दी है, जैसे कंपनी की वेबसाइट है और हमारा डेटा लेने के लिए बना दी है, तो पता कैसे लगे कि जो वेबसाइट हम देख रहे हैं या जो वो असली है या डुप्लीकेट है, उसमें लोगो भी कंपनी का है, सब है, बट
पता कैसे चले कि वो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है? आई वुड लाइक टू ऐड इन दैट साकेत, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, कभी कभी हम शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, हमारे से काफ़ी लोग यहाँ ऑनलाइन का बिजनेस करते हैं, तो कुछ भी सर्च करेंगे उसमें वो साइट आ जाती है, एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिखाते हैं और फिर पैसा चला जाता है। काफ़ी सारे व्यक्ति के साथ ये हुआ है। तो इस तरीके की यू नो साइट्स में कैसे पता चले कि ओरिजिनल साइट है डुप्लीकेट साइट है, ये क्वेश्चन है चिंतन जी का। चिंतन जी थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। इसका सोल्यूशन बहुत आसान है। आपके अगर ब्राउजर पे आप एक एड ऑन को डाउनलोड कर लीजिए जिसे कहते हैं वेब ऑफ ट्रस्ट, उसका नाम है WOT, एक एक्सटेंशन है। उससे होगा क्या, आप जब भी कुछ सर्च करोगे गूगल पे, वो लिंक के सामने एक बटन आ जाएगा, एक आइकन आ जाएगा कि इज इट सेफ और इज इट नॉट सेफ। जैसे कि नाम बताता है वेब ऑफ ट्रस्ट, आप कौन सी वेबसाइट्स को ट्रस्ट कर सकते हो वो अपने आप बता देता है। ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्यूशन है चिंतन जी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। तो चाहे वो शॉपिंग वेबसाइट हो या कोई भी और वेबसाइट हो, आप उसे आराम से रिलेटिवली यू नो इन अ सेफर वे ब्राउज कर सकते हैं। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन सर फ्रॉम योगेश। ये क्वेश्चन, हम काफ़ी सारी पेटीएम, फ़ोनपे, थर्ड पार्टी पेमेंट एप्लीकेशन यूज़ करते हैं बिल्स भरने के लिए, गैस बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन है योगेश का। योगेश इज़ फ्रॉम आनंद गुजरात। योगेश प्लीज़। नमस्ते सर जी, हम पेटीएम का यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल वो सब भरने के लिए, लेकिन उसमें एक हमें दिक्कत और आ रही है कि हमें बहुत सारे फ़ोन से, ईमेल से, कॉल से आता है कि आपका KYC करना है, तो हमें कैसे पता चले कि फ़ोन से ईमेल सही या गलत है, और उसमें हमसे कुछ डिटेल मांगते हैं, पर्सनल डिटेल या डॉक्यूमेंट्स, तो हमें अगर वो सही है तो कितने डॉक्यूमेंट देने चाहिए और कौन सी डिटेल देनी चाहिए और कौन सा नहीं देना चाहिए, वो थोड़ा मुझे जानना था सर आपसे। योगेश जी थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए। आप जब KYC की बात करते हैं योगेश जी, मेरे हिसाब से वो तो आसान है। वो इसलिए आसान है क्योंकि अगर आपने किसी एप्लीकेशन पे अप्लाई नहीं किया हो KYC के लिए, और KYC टिपिकली आपके सोशल मीडिया अकाउंट या चैट अकाउंट या वॉलेट अकाउंट में नहीं ज़रूरत है, खाली आपकी बैंक अकाउंट को खोलने के लिए KYC की ज़रूरत है। आज के दिन KYC की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको अपना आधार नंबर और आपकी फिंगरप्रिंट देनी है, चाहे वो आप जाके एक जियो के स्टोर पे या एयरटेल के स्टोर पे दें। तो अगर आपने कुछ अप्लाई नहीं किया है और कोई आपको फ़ोन करके पूछ रहा है कैन यू प्लीज़ गिव मी द KYC ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर थिंग बिकॉज आई नीड टू डू ABC, आई डोंट थिंक कि आपको वो कभी भी उसे देना चाहिए। बट अगर आपने कहीं अप्लाई किया है, उसमें आपका ये प्रश्न हो सकता है कि अगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पेटीएम को मेरे को कॉल करने के लिए और कोई और कॉल कर ले और KYC दे दे, मेरे हिसाब से KYC के बारे में वरिड होना एक अच्छी चीज़ है, बट ओवर वरी भी ज़रूरत नहीं है। आज के दिन अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट खोलते हो, ज़्यादातर लोगों की KYC फेसबुक में पब्लिकली अवेलेबल है। आप कहाँ रहते हैं, आपका फ़ोन नंबर, आपकी ईमेल एड्रेस, यही तो है KYC, नो योर कस्टमर, जहाँ पे आप अपना ये सारा डिटेल्स जनरली सोशल मीडिया पे ऑलरेडी देते हैं। तो मुझे लगता है कि काफ़ी सारे ये KYC का डर मीडिया ड्रिवन है रादर देन जेन्युइनली विच इज़ आउट देयर। थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, अगर आपकी ईमेल आईडी का पासवर्ड देखेंगे, बहुत सारे पासवर्ड्स भी लीक्ड होंगे, तो आई फील दैट इट्स नॉट टू मच ऑफ अ वरी, बट एट द सेम टाइम यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल कि आप किसको दे रहे हैं वो डेटा, ओनली वंस यू हैव अप्लाइड। अगर आप वो करो तो मेरे हिसाब से 99% ऑफ द रिस्क गो अवे फ्रॉम देयर। योगेश थैंक यू सो मच साकेत सर। सो एक बार फिर से हम तालिका से अभिवादन करेंगे साकेत जी का और विनीत बख्शी जी का। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा साकेत जी, आप और विनीत जी दोनों को हमारे गुरु महाराज बहुत अच्छे हृदय से आशीष दे रहे हैं, क्योंकि आपने बड़ी भावना से हम सभी को आपकी जो माहिती थी वो सबको प्रदान की, और हम इसमें से जो भी हमारे उपयोगी हो उसका उपयोग करेंगे और आपको जब जब हम बचेंगे तो और दोबारा आशीष देते रहेंगे। तो मैं गुरु जी से प्रार्थना करता हूँ, गुरु जी आप दिल से उनको आशीष दे दें, सब संत लोग भी आशीष देंगे, सब भक्त लोग भी आशीष देंगे, और आप हमारे प्रोग्राम में पधारें और वर्चुअल इतना आपने समय दिया, इस बदल आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।
પલારી ભક્તો, આજનો આ કાર્યક્રમ આપણે સૌએ માણ્યો, કારણ કે આજની ટેકનોલોજીના જમાનામાં આની પણ હવે રોજ ને રોજ જરૂર પડી છે. અત્યારે એક નવો અને અદ્ભુત કાર્યક્રમ આપણે વિમોચનનો લેવા જઈ રહ્યા છીએ. હમણાં જમાનો બદલાઈ રહ્યો છે, જમાનાની માંગ પ્રમાણે ગુરુજી હંમેશા આપણને ભગવાનમાં જોડાવાના કોઈ ને કોઈ માધ્યમો પૂરા પાડતા રહ્યા છે. હમણાં અનપ્લગ વર્ઝન ચાલી રહ્યું છે, કીર્તન મેડલી આજે એક નવું જ લોન્ચ થવા જઈ રહ્યું છે, એમાં પ્રેરણાવાળા ગુરુજી પૂરી પાડી છે. એ નવા કીર્તનમાં ચાર ગાયકો છે, સુરેશભાઈ કળથિયા, હાર્દિક ટેલર, નિસર્ગ પટેલ બરોડા અને અક્ષય જોશી. સોંગ એરેન્જમેન્ટ અને ફ્લ્યુટ આપણા સુરેશભાઈ કળથિયાએ પૂરું પાડ્યું છે. સંગીત, કીબોર્ડ, રિધમ હાર્દિક ટેલર અને સ્ટુડિયો ટ્વિન્સ સ્ટ્રિંગ સ્ટુડિયોમાં આ રેકોર્ડ થયું. વિડીયોમાં પ્રીત શાહ, ઋષિ લિંબાડ અને જયેશ ઇટાલિયાએ બહુ સારી સેવા આપી છે. વિડીયો એડિટિંગ એન્ડ મિક્સિંગ આપણા દિલીપ જાંબુકિયાએ કર્યું છે. પ્રકાશક સ્વામિનારાયણ મંદિર કુંડળધામ કારેલીબાગ. વિદિતજી કો વિદિત હો, સાકેતજી કો લેકર એક બાર ગુજરાત આયે ઓર હમારે યહાં બડે બડે મંદિર હૈ, બડે તીર્થ સ્થાન હૈ, ઉનકા દર્શન ઓર હમ સભી કે લીએ ઉનકો લેકર એક બાર આપ જરૂર પધારે, એસી હમારી વિનંતી હૈ. ભગવાન આપકા બહોત ભલા કરે, આપકે સદા ભગવાન આપકે સાથ રહે ઓર આપ સહ પરિવાર બહોત સુખી રહે, એસી પ્રભુ કો હમ પ્રાર્થના કરતે. બહોત અચ્છા, ગુરુજી ને આશીષ દિયા ઓર વિદિતજી આપકી જિમ્મેદારી હૈ, સાકેતજી કો લેકે આના, ગુરુજી કા આશીષ દિલવાના ઓર યહાં કે બડે બડે તીર્થધામો કા દર્શન કરવાના. અત્યારે એક જાહેરાત કરું છું, આવતા રવિવારે 31 જાન્યુઆરી આપણા જાણીતા ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા, મેં એમને આમંત્રિત કર્યા છે. ખોટું કર્યા વિના પણ પૈસાવાળા થઈ શકાય છે, નીતિમત્તા અને પ્રામાણિકતા રાખીને પણ સુખી થઈ શકાય છે, ખોટું કરવાની કે ખોટું બોલવાની જરૂર નથી. એ વિષય ઉપર ગોવિંદભાઈ ધોળકિયા આપણને માર્ગદર્શન આપશે આવતા રવિવારે. અને અમે અહીંયા સુરત જ છીએ અને આ જગ્યાએ તમને લાભ મળશે. બહુ સરસ આપણું આ નવું કીર્તન, કીર્તન મેડલી આજે વાલા ગુરુજીના હાથે લોન્ચ થાય છે અને પછી તરત જ તમને બધાને મળશે. બોલો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય. Thank you.
वेद कहे रे। बहुत सरस, एक बार जोरदार तालियां अने हवे आरती। સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જય।